खदशात हो गए हैं दूर, कल बम पटाखों से जो इलेक्शन कैंपेन है ना उसका आगाज हो गया है। पाकिस्तान में हर चीज मुनफरद अंदाज में देखी जा रही है। किसको वोट देंगे? देना तो किसी को भी नहीं चाहिए। ओ भाई जिसको जो मर्जी आए वो वोट दे। अपने आप को और ज्यादा एजुकेट करें। ये जो हमारे सोसाइटी में खवातीन को लेकर परसेप्शन है ना, ओए एक खातून बैठी हुई है, बचो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, मंगल का रोज़ और बड़ा प्यारा प्यारा दिन, प्लेजेंट मॉर्निंग, हल्की फुल्की ठंड कराची में, मे बी आप जहाँ हो ज़्यादा महसूस हो रही हो, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। और आज का दिन इसलिए भी कराची में कदर मुख्तलिफ है कि रात एक चीज़ जो मुख्तलिफ थी वो थी औस पड़ रही थी, यानी कि मौसम यहाँ पर सर्द बिल्कुल नहीं है लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है। साथ ही साथ यहाँ औस पड़ने से सुबह उठे हैं तो गाड़ियों पर नमी थी और रोड भी गीली गीली महसूस बिल्कुल हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी सी बारिश है वो हो चुकी है। और उसके बाद ये सिचुएशन है। अच्छा, मैं इतना दिल चाह रहा था मुदस्सर कि काश सर्दियों की कोई बारिश हल्की फुल्की हमें देखने को मिले, क्योंकि रोड जो हल्की हल्की गिरी थी ना तो एहसास ये हो रहा था कि शायद हुई है बारिश रात में किसी वक्त, लेकिन ऐसा नहीं था, वो ओस थी। तो खैर शायद क्लाइमेट चेंजेस है कि बारिशें, मेरा ख्याल है कि जहाँ बारिशें होनी चाहिए वो भी बारिशें नहीं हो रही हैं। और कदे मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई तो मामला ये है कि वो कोई और वाली बारिशें थी, ये वो और वाली बारिशें थी। अच्छा, पता है इस पर पहाड़ों पे बर्फबारी भी नहीं हुई उस तरह जिस तरह हुआ। जी जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू इस वक्त है और हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले दिनों में इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि जनवरी का मिड गुजर गया है और ये बिल्कुल बर्फबारी का पीक होता है जब जनवरी स्टार्ट होता है, और इसमें क्वेटा बलूचिस्तान के पहाड़ों या गिलगित बल्तिस्तान या केपी के कश्मीर उस तरह से बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आज कोट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। एतमाद की बात आज हमने करनी है कोट ऑफ द डे में। एतमाद नाज़रीन एक छोटा लफ्ज है लेकिन पढ़ने में कुछ सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में जिंदगी लग जाती है। मुदस्सर, एतमाद और एक दफा टूट जाए अगर तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, कुछ लोगों के नज़दीक तो एतमाद का टूटना तो बहुत दूर की बात है, पहली बार ही नहीं बन पाता एतमाद, और कुछ लोग होते हैं वो आप पर एतबार करते हैं फिर उस एतबार को एतमाद में तब्दील करते हैं, और अगर वो एतमाद टूट जाए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोगों के एतमाद पर पूरा उतरिए अगर वो आप पर एतमाद कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर बहुत ज़रूरी है, और बड़ी खबर में आज एक अच्छी खबर है और वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 8 रुपये तक कम, 259 रुपये लीटर पेट्रोल, महंगाई की तकलीफ से गुजरते आवाम के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इलेक्शन होंगे और मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, तमाम तरबाम खत्म, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सियासी हालात में बड़ी पेशरफ्त है ये। डिस इंफॉर्मेशन आलमी सियासी और माशी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार, लेकिन दौरे जदीद में गलत मालूमात की रोकथाम इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, आज के प्रोग्राम में बात होगी। और कराची में पिंक बस का इकदाम कितना कामयाब, ख्वातीन का सफ़र महफूज बनाने के लिए मजीद किन इकदाम की ज़रूरत है, बीआरटी हुकाम से तफसीली गुफ्तगू होगी। अच्छा वैसे मुदस्सर, मैंने अभी तक पिंक बस में सफ़र नहीं किया। अच्छा। रेड बस में कर लिया, पिंक बस में नहीं किया। अच्छा, तो वैसे इत्तेफाक है कि बिल्कुल इसके उलट है। अच्छा। कि जब जिस दिन पिंक बस स्टार्ट हुई थी उस दिन हमें बुलाया था सिंध गवर्नमेंट ने, तो मैंने पिंक बस में, और मैंने उनसे पूछा भाई मैं क्यों आ रहा हूँ, नहीं आपको विजिट करवा रहे हैं सफ़र नहीं करवा रहे। नहीं, मैंने सफ़र नहीं किया। अच्छा खैर, इत्तेफाक की बात है, वैसे सवाल आपका बिल्कुल वैलिड था कि बस बैंक है तो मैं किस चक्कर में, खवातीन को होना चाहिए था। खैर वो उन्होंने बस यू नो आपको प्रोटोकॉल दिया है। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। बिल्कुल, ट्रेंड्स के जाने बढ़ते हैं, और ट्रेंड है उकाड़ा में उम्मीद सहर। उकाड़ा में उम्मीद सहर ट्रेंड में शामिल है। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। उकाड़ा में सजने वाले सियासी इंतखाबी पंडाल में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की घन गरज, मुखालफीन पर जवाबी वार, कहा कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का खुद नोटिस ले लिया। समटाइम मेरे कान में बहुत ऊंची सी आवाज़ आती है,
वो हम लोग का टॉक बैक होता है आप सब समझते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं। एनी हाउ मोहब्बतों का इजहार था ये जो कि मरियम नवाज की जानिब से किया गया। काफ़ी टाइम से हम ये सोच रहे थे कि मरियम नवाज कहाँ है, नज़र नहीं आ रही, तो वो फिर एक धुआंधार जलसे के साथ उकाड़ा में सामने आई हैं और उन्होंने अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और शेर आया के नारे थे, लोगों ने इस हवाले से पोस्ट किए, अपने ख्यालात का इजहार किया। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र आई पाकिस्तान मुस्लिम नून उकाड़ा की क़यादत की जानिब से कि जलसा जो है वो सपहर में था और इतनी आतिशबाजी नज़र आई। एक तो आतिशबाजी करने का सपहर में कुछ समझ नहीं आ रही थी, दूसरा पंजाब की फ़ज़ा इतनी आलूदा है और वहाँ पर करोड़ों रुपए की इस तरह से आतिशबाजी करके आप मज़ीद आलूदा कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन की कैंपेन ज़रूर करें, लगाएं जलसे जुलूस जो चाहें वो करें, लेकिन कम से कम माहौल को ख़राब करना और शहरों को गंदा करने के, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना कुछ फेस कर रहे हैं इसी वजह से, आलूदगी की वजह से। दूसरा ट्रेंड है जनाब पेट्रोल प्राइस के हवाले से, जो कि खुश आइंद खबर है और निगरान सेटअप ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, पेट्रोल सस्ता कर दिया है, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर की कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत जो है 259.34 रुपये हो गई है। इससे पहले मुदस्सर कितनी थी, 263 रुपये, पता नहीं, हम तो 268 रुपये थी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा इस तरह से है कि डलवाते रहते हैं, तो पेट्रोल की कीमत में ये 0 के बराबर है। नहीं अभी तो समझ नहीं, इतना भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, वरना तो इसकी उम्मीद तवक्को नहीं होती। तो इसके क्या रिएक्शन, क्या लोगों को क्या कहना है, हम जानेंगे लाहौर से, इस्लामाबाद से। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी वान, उनसे सूरत हाल वहाँ की जानेंगे, और हमें ज्वाइन किया लाहौर से खुर्रम मलिक ने। तो सबसे पहले सलमान आपसे जानेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या कहना है शहरियों का इस मुतालिक? जो बिल्कुल मुदस्सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि इसकी तवक्को नहीं थी कि इतनी कमी भी होगी, लेकिन बहरहाल ये कमी हुई है और 8 रुपये की कमी को हम बहुत बड़ी कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको एक नुमाया कमी जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि जो फी लीटर पेट्रोल है उसकी कीमत में 8 रुपये कमी हुई है, और अगर कोई शहरी जो है वो 2 लीटर या 3 लीटर भी पेट्रोल डलवाता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 16 रुपये या 32 रुपये की कीमत अगर उसको फ़ायदा होता है 4 लीटर पेट्रोल डलवाने से, तो ये बिलाशुबा कोई बहुत ज़्यादा इजाफा या कमी जो है नहीं है, या उसके बजट के अंदर बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो दीगर एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो गैस हो या बिजली हो, उनकी कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम शहरी के लिए ये जो इस किस्म के इजाफे या कमी बेशी जो है वो बहुत ज़्यादा माने नहीं रखती। अगर ये कमी बतदरीज होती है और पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम होती है, या जो डीज़ल है उसकी कीमत में भी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तो कमी नहीं की गई, इन फ्यूचर अगर कमी होती है और ये कमी का जो इफ़ेक्ट है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की सूरत अंदर शामिल आता है, यानी अभी अगर आप देखें कि अगर आज 8 रुपये की कमी हुई है तो कोई ट्रांसपोर्टर ऐसा नहीं है जिसने अपने किरायों में इस हवाले से जो है वो कमी की हो, जिसने अपने रेट जो है वो इस हवाले से कम किए हो, तो आम शहरियों तक इसका बेनिफिट जो है वो पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। और अगर 8 रुपये को अगर आप 2 लीटर भी अगर कोई साहब पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, आमतौर पर बाइकर्स इतना डलवाते हैं जो कि जिनकी बहुत बड़ी तादाद होती है, तो 16 रुपये की कमी जो है एज सच उसके लिए माने नहीं रखती। लेकिन सलमान बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये आपने सही पॉइंट रेज किया कि जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है, अब तो खैर 1-2 रुपए नहीं 8 रुपए है, वैसे तो मैं इसको भी कम समझती हूँ, 20-25 रुपए कम होते हैं तो उसको रिलीफ तसव्वुर किया जाता, लेकिन किराए कम नहीं होते हैं, वो मनमानी कीमतें उसी तरह ली जा रही होती हैं। खुर्रम आपके पास आएंगे, लाहौर के शहरी क्या रद्द अमल दे रहे हैं इन कीमतों पर? अच्छा बिल्कुल सरेश, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर के जो शहरी हैं उन्होंने भी खुश आइन तो करार दिया है, क्योंकि 8 रुपये की कमी जो है वो सामने आई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो नई 269.35 रुपये जो है मुकर्रर हुई है। जो गाड़ी चलाने वाले अफराद हैं वो तो खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनकी जानिब से जो है वो शिकायत भी की जा रही है, क्योंकि पेट्रोल हमेशा ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आलमी मंडी में जो है वो कम की जा रही है और अब पेट्रोल जो है वो रिलीफ फराम किया जाएगा, लेकिन 8 रुपये का रिलीफ जो है वो आवाम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी महंगा है और 260 रुपये के करीब पेट्रोल जो है वो मिल रहा है, तो अभी भी लोगों की जेब में जो है वो भारी है। शहरी हम अरसद मौजूद हैं, शहरियों से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोलियम मसलों में जो है वो कमी की गई है, क्या समझते हैं आप, खुश आइंद करार दे रहे हैं आप? नहीं, खुश आइंद तो है, लेकिन देखें आर्मी मार्केट में अगर आप देखें पेट्रोल जिस हिसाब से कम हुआ है फी बैरल के हिसाब से, उस हिसाब से तो पाकिस्तान में पेट्रोल
100 से 120 रुपए लीटर होना चाहिए, उस हिसाब से तो कीमत बिल्कुल इन्होंने बहुत कम की है, यानी कि इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था। और एक तरफ तो आप पेट्रोल 8 रुपए कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 5 रुपए यूनिट बिजली का बढ़ा दिया है। जो गरीब आवाम है, जो साइकिल चलाने वाला बंदा है, उसको इस पेट्रोल से क्या लेना देना, उस पर तो आपने बिजली का पंप गिरा दिया, वो गरीब बंदे ना क्या करेगा। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, एक तो आप पेट्रोल का अगर फी बैरल जो आर्मी मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से कर दें तो गरीब आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। सर आप मुझे बताइएगा, निगरान हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी जेब में अभी भी पेट्रोल भारी है कि अब कुछ बेहतर हुआ है? मेरे ख्याल में इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, लाइक यू आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी एट द सेम टाइम, लाइक लुक एट द वेदर, इट्स ऑलरेडी वेरी कोल्ड, वी नीड चीप इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द अदर हैंड दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डजेंट मेक एनी सेंस, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट एग्रीड विद इट। अगर वो एक चीज़ को कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ के भी उसके प्राइस वो कम करने चाहिए थे, बजाय ये कि आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ को वहीं पे आप कंपनसेट कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो मज़ीद कम होनी चाहिए, क्योंकि ठंड है और सर्दी में ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो गाड़ी का इस्तेमाल करें और आप भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझते नहीं कि 8 रुपये जो है वो कमी जो की गई है उसमें फ़ायदा तो आवाम का है ना? लेकिन आप कंपेयर करें कि विद इन वन ईयर दे हैव इंक्रीज द प्राइस ऑलमोस्ट ट्वाइस, दे हैव मेड द प्राइस ट्वाइस ऑफ दैट, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेहतर है। अगर या तो ये वापस वही प्राइस कर दें फिर ठीक है। ये कौन सी प्राइस मांग रहे हैं, 150 में ले आए? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए, जिस तरह देखें सबसे ज़्यादा टैक्स तो फिर हम दे रहे हैं, हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, एक तो सैलरीड होकर टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप हर क्वांटिटी के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, और इनका सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें या फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दें, एक चीज़ बढ़ा के दूसरी को सस्ता कर दें। बिल्कुल आपने बात सुनी, शहरी जो है वो खुश नहीं है क्योंकि 8 रुपए की कमी जो है वो की गई है, और ये सिर्फ थोड़ी सी कमी जो है वो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत मामूली सी कमी है, और जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है तो 35 रुपए। आप आगाह कर रहे थे आवामी जो राय है उससे भी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के शहरी कह रहे हैं वापस 150 पे पेट्रोल होना चाहिए, और इस्लामाबाद के शहरी भी ज़्यादा खुश नहीं है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए कमी हुई है। तो सलमान अवान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ पहुंचे। अब मुंतशिर बात यह है कि सारे भाम हो गए ख़त्म, खदशात हो गए हैं दूर। हम कहते थे कोई जमात नज़र नहीं आ रही, कैंपेन नज़र नहीं आ रही, गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, तो कल बम पटाखों से जो इलेक्शन कैंपेन है ना उसका आगाज़ हो गया है, और अब इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने भी मुलतवी करने से साफ इनकार कर दिया जी कि इलेक्शन। बिल्कुल ये होना भी यही चाहिए था, जो एक आइन का तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं, इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन अपने बैलेट पेपर छाप रहा है, धड़ाधड़ इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट हो रही है, और ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान जो हम मुझे याद आ रहा है कि 2002 और 2004 के जो बलदियाती इंतखाबात थे, जब एक यूनियन काउंसिल में 25-25, 30-30 लोग खड़े थे, उस वक्त इस तरह के इंतखाबी निशानात आ रहे थे। बिल्कुल आ रहे हैं। तो आज सूरत हाल ये है कि जितनी भी तैयारी हो रही है इलेक्शन के हवाले से, ये और इलेक्शन के अखराजात और इलेक्शन की जो कैंपेन है वो इलेक्शन कमीशन के अहकाम से कदरे मुख्तलिफ नज़र आती है। अच्छा मुदसर, ये सारी सूरत हाल है और हम देख रहे हैं कि एक जमात जिससे इंतखाबी निशान अभी हाल ही में लिया गया है, उनका कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या आज़ाद हिस्से में ज़्यादातर उम्मीदवार लड़ेंगे, अगर आज़ाद लड़ेंगे तो फिर किस तरह वो जगह जगह जाके बताएंगे कि भाई हम आज़ाद हैं, उनके देखें डोर टू डोर जाना इतना आसान नहीं होता, हल्के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। नहीं, जो मैं आपको बताऊँ, जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का होता है तो वहाँ लोग डोर टू डोर भी जा रहे होते हैं, जो नीचे उनके पैरेलल होते हैं। नहीं, जब इतना अरसा के भाम रहा है, 26-25 दिन रह गए, कैसे डोर टू डोर जाएंगे? बिल्कुल। और अब एक और चीज जो है वो ये है कि एक रुख ये है कि उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, दूसरी जानब अब उन लोगों को मुख्तलिफ निशानात जो अलॉट हो रहे हैं। अब पहले तो दिन बड़ा मजा का खेज ये मामला रहा, लेकिन उसके बाद अब वो ऐसे इंतखाबी निशान है वो 2 दिन में लोगों को याद हो रहे हैं अपने अपने हलकों में, जिसके जहां पर जो हलके में इंतखाबी निशान है। बहरहाल ये एक अमल है जो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन दूसरी जानब सेनेट में जो करारदाद आ रही हैं बैक टू बैक इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से, ये बड़ी अजीब है। इस पर अच्छी बात जो है वो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का रद्द अमल है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हों, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा खैर, हमने तो ये भी सुना है कि बिलावल जो हैं वो तहरीक इंसाफ को इतिहाद की दावत भी दे रहे हैं, लेकिन कर्ल बरमला जो चेयरमैन रहे थे पहले पीटीआई के, उनकी तरफ से कहा गया कि जी बिल्कुल
किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। भले हम लोगों से हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया है, लेकिन हम भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और पूरे ज़ोर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे भी। और इंशाल्लाह जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में जीतेंगे और वो हमारे उम्मीदवार होंगे और इंशाल्लाह आगे जो हमारी जमात है वही हुकूमत बनती उसकी दिखाई दे। बिल्कुल, और अब आज़ाद उम्मीदवारों का भी ये थोड़ा सा बड़ा मामला अहम है कि हर आज़ाद उम्मीदवार जिसको टिकट पार्टी से नहीं मिला उसने भी अपने चेयरमैन की लगा दी है पीटीआई के तस्वीर और साथ में झंडा लगा दिया है, कलर अपने ये तो भी इसका निशान बिल्कुल तो एक ही हलके में दो दो तीन तीन क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग बहरहाल वो इस पर हैं। यहाँ पर हम मज़ीद बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से क्या सिचुएशन है, लेकिन एक ब्रेक की जानब बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद बात। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक, बात हम इलेक्शंस के हवाले से कर रहे थे। अच्छा वैसे मुदस्सर मुझे एक बात बताइएगा, आपने कोई बाजगश सुनी है पीटीआई नज़रियाती के हवाले से? जी बिल्कुल, पीटीआई नज़रियाती तो बहुत पहले से बनाई गई थी और चल रही थी, लेकिन उसके बाद वो अब खुद भी पीछे चले गए। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि वो क्यों पीछे चले गए इस वक्त में। वो उन्होंने कहा जी कि ये खुद से ज़बरदस्ती से मेरे टिकट का उन्होंने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब वो पीछे हटे हैं तो फिर ना निशान बाकी रहा है, तो वो कहते हैं ना बल्ले बल्ला रहा ना बल्लेबाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, तो मामला उनके साथ ये हो गया। बहरहाल आगे अब बढ़ते हैं और अब कुछ तकरीब के हवाले से बात करते हैं। लाहौर में रंगारंग तकरीब के जरिए पाकिस्तानी गुलकार साहिर अली बग्गा और यूक्रेनी गुलकारा कमालिया का नया पंजाबी गाना लट्ठे दी चादर रिलीज कर दिया गया। बिल्कुल जी, ये लट्ठे दी चादर है और तकरीब में जो यूक्रेन की गुलकारा है उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमा गाकर भी समा बांध दिया है। सदाबहार ये गाने हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज से जब भी जैसे भी गाए जाएं सबको भाते हैं। तो अच्छा, ये गाने आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहे हैं वो हैं इलेक्शन के हैं, इलेक्शन के जो इलेक्शन सॉन्ग्स हैं ना वो बहुत हाँ, इतने व्यूज उन पे आ रहे हैं मुदस्सर, मतलब जाहिर है हवा चली हुई है इलेक्शन की। हाँ, तो इसलिए तो अब इलेक्शन के हवाले से हम जो है वो बात भी करेंगे और इलेक्शन के तराने भी, लेकिन इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से तो कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सूरत हाल पर बात करते हैं। कुंवर साहब, सबसे पहले तो अब ये जो इलेक्शन के मुलतवी होने की बार बार दरख्वास्तें आ रही हैं इस पे अब जवाब भी दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब देना आइनी तौर पर ज़रूरी था या फॉर्मेलिटी थी जो दिया गया है सेनेट में? कुंवर साहब आपसे सवाल ये किया था कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दिया गया है सेनेट में जो करारदाद थी इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से वो आइनी तौर पर जवाब देना जरूरी था या फिर एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी की गई है? जो पेश हो रही है जो सेनेट में जो करारदाद आ रही है नहीं उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। उसमें जो बजट एक रस्मी तौर पर एक बकायदा तरीका होता है रूल बिजनेस के तहत, अगर किसी इदारे की तरफ से कोई खत आता है कोई शिकायत आती है तो उसको जवाब देना उस इदारे की जिम्मेदारी होती है। सही, तो इलेक्शन कुछ पाकिस्तान जो सेनेट की जो पहली करारदाद थी जो मंजूर थी जो कुछ अपने चेयरमैन सेनेट ने बाकायदा दस्तखतों के साथ इलेक्शन कमीशन को भिजवाई और वजारत पार्लिमानी आमूर को भिजवाई, उसका जवाब देना इलेक्शन कुछ पाकिस्तान के फ्राइज में शामिल है कि वो चेयरमैन सेनेट की तरफ से आई है दस्तखत शुदा है वो, उसका वो अपना दे दे रोड मैप के हमने इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है और हम इस करारदाद पर दरामद करने के रवादार नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया और वह शेड्यूल जो जारी किया गया है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशावरत से 8 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई है और हमें सारे मौसम क्लाइमेट को देखते हुए किया है और बाकी जहाँ लॉर्ड ऑर्डर की सूरत हाल है दहशतगर्दी है तकलीफदारी हो रही है इस पर कंट्रोल करना हम ईमान को ये वफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पर ना सेनेट की जिम्मेदारी आयद होती है और ना ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की, इसलिए वफाक की हुकूमत की। अच्छा कमर साहब, इसका मतलब भाम अब हर तरह का दूर हो गया, वो जमातें जो कि उजर पेश कर रही थी सर्दी का बर्फबारी का मौसम की खराबी का उनको अब खातिर में नहीं लाया जाएगा, अब इलेक्शन होने और 8 फरवरी को होके रहने। वो इसलिए कि बाजी में 3 फरवरी को 1997 में 3 फरवरी हो गए थे जिसमें कि नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो गए थे, तो इस लिहाज से ये सारे उस पर हासिल कर ली थी नवाज शरीफ साहब ने, तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो गए थे 3 फरवरी को
तो अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है इसमें कोई क्लाइमेट का कोई असर अंदाज नहीं होगा, ये बानेबाजी है। हाँ ये दुरुस्त है कि जो लानाडर की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है और उस पर सबको रह कंसर्न है, हमें भी आपको भी मीडिया पर सबको भी, जो जिस अंदाज से के पी में हंगामे तो नहीं हो रहे लेकिन जहाँ दहशत गर्दी हो रही है, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, इससे तो फर्क पड़ेगा। इस पर तो इलेक्शन पाकिस्तान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए कि बिल्कुल ये एक बड़ा एक अहम मामला है और इलेक्शन के अंदर तो पूरी एक मूवमेंट होती है जिसका इस पर भी असर हो सकता है। कुंवर साहब आप देखा, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं इलेक्शन से मुतालिक और इंतखाबी निशानात से मुतालिक बात हुई। देखते रहिए दुनिया बोल। वेलकम बैक, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर शायद बोलने ही लगे थे कि मैंने फौरन से जो अल्फाज इसलिए हमने खामोश हुए कि लेडीज फर्स्ट और कमर दिलशाद साहब भी इस बात को समझते हैं। अच्छा कमर साहब एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, ये इंतखाबी निशान तो ले लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकिन उसके बाद अब वो आज़ाद हैसियत में जो इंतखाबी निशानात अलॉट हो रहे हैं उसको बड़ा मजा का खेज आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि ये क्या है, किस तरह के इंतखाबी निशानात हैं। तो ये एक तो बैलेट पेपर्स का छापना अब ये भी मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हर एक हलके में इंतखाबी निशानात, और आपको याद होगा 2000 में या 2004 के इंतखाबी निशानात बहुत ज़्यादा बल्दियाती इंतखाबात में थे और उस वक्त बड़े मसाइल भी आ रहे थे। तो सर ये एक नया सिलसिला होगा जमाती इंतखाबात और उसमें इतने ज़्यादा इंतखाबी निशानात। ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में यानी इंतखाबी हिस्ट्री में और बल्कि सियासी तारीख में भी ये पहला मुनफरद वाकया हो गया है कि जिसमें के आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी तादाद में यानी तहरीक इंसाफ में जब मैंने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हैं तो वो कोई 224 कौमी असम्बली के हल्कों में हैं और इसी तरह तकरीबन 600 लगभग सूबाई असम्बली की सीटों पर उनके आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों का आना, जहर पार्लियामेंट में आने के लिए तो पब्लिक की मर्जी होगी किसको वोट कास्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर की बड़ी वसी पैमाने पर इनकी तादाद कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली पहुंच गई तो वहाँ बड़ा एक आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। ये हमारे दोस्तों को भी अंदाजा नहीं है उस आईनी और कानूनी बहरान का। तो अब वो ये है कि जब वो इतनी तादाद में वहाँ बैठे होंगे असम्बलियों में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ा मजबूत ग्रुप की शक्ल में बैठेंगे जिसकी बना पर जो आइंदा हुकूमतें आने वाली हैं या आइंदा सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में आ रही सियासी जमातें कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली में उनमें इतनी ज्यादा मेजॉरिटी नहीं होगी, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, वो इतने भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनते हैं इस पूरे रास्ते में रुकावट पैदा हो जाएगी आजाद उम्मीदवार, तो आजाद उम्मीदवार जो है उनके रास्ते में रुकावट डालेंगे। हुकूमत साजी में आपका बोल्टी भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत साजी में बहुत दिक्कत पेश आएगी। अच्छा उनको अंदाजा ही नहीं, ये जो जलसे जुलूस में ज्यादा कामयाबी नहीं हो रही, बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें जलसे जुलूस भी कामयाबी इसलिए नहीं होती कि लोग घरों में टीवी में देख लेते हैं, तमाम उनका लाइव प्रोग्राम देखा जाता है तो लोग वहां सर्दी में जाना जलसे में नहीं जाते, उनका पैगाम जो है तो आप जैसे मीडिया से पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जब पहुंचेंगे ये तो हमें अंदाजा ही नहीं लोगों को कि जब वो हुकूमत साजी में बहुत दिक्कत पेश आएगी। तो मैं हमारा तस्वीर ये है अगर हुकूमत साजी में लीडर ऑफ द हाउस का तकरार ना हो सका तो बहुत बड़ा एक आयनी बहरान पैदा हो जाएगा, उसके लिए जहर आजाद बात जो है अच्छी खासी तादाद में वहां पहुंचेंगे। लेकिन कंवर साहब अभी जो जमात जिससे इंतखाबी निशान लिया गया है वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम आज़ाद हैसियत में भी उम्मीदवार हमारे जीतेंगे तो हम हुकूमत बनाने के अहल हो जाएंगे, ये मुमकिन है अगर नंबर की कैलकुलेशन देखी जाए, नंबर गेम को अगर देखा जाए? पाकिस्तान में हर चीज नजर मुनफरद अंदाज में देखी जा रही है, ये दुनिया का पहला खतरा है, यहाँ तजर्बे हो रहे हैं, तो मुमकिन है कि आजाद उम्मीदवार अपनी भारी तादाद में कौमी असेंबली में पहुंच जाए और वो अपने हुकूमत साजी के नजदीक आ जाए तो हुकूमत साजी में तो आ सकता है आजाद ग्रुप की तरफ से लीडर ऑफ द हाउस का तकरार हो सकता है, तो लाजमी तो नहीं है वह जमाती सतह का ही प्राइम मिनिस्टर हो, आइन में नहीं लिखा हुआ, तो आजाद उम्मीदवार का ग्रुप मजबूत हो जाए और वो 166 या 150
सर, ये भी एक बड़ा मुनफरिद मामला होगा अगर सहरिश इस तरह से हो जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद हों और बाकी फिर छोटी जमातें उनके साथ मिलकर वो चीज़ें बना जाएं। लेकिन एक खदशा और तहफ़ुज़ात होते हैं कुंवर साहब, वो ये हैं कि जब आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो फिर आइन के पाबंद नहीं है कि वो अपनी जमात को एतमाद का वोट दें या बजटिंग के मामलों के हवाले से जो भी एक तकाजा है, तो फिर वो एक मंडी सी लग जाती है और उस मंडी का फ़ायदा फिर सियासी जमातें उठाती हैं। तो इसका भी तो फिर खदशा होगा सर कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार उड़ उड़ के मुख्तलिफ सियासी जमातों में जाकर बैठ रहे हों। दुरुस्त फरमाया आपने, हमारे यहाँ तो हमारा स्टेडियम तो तदारत है ना, इसमें तो हमें किसी पर एतमाद तो नहीं है। वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए जो उन्होंने खर्च खर्च किया है जी, तो वो सारा जाहिर है उनके मफादात होते हैं, कारोबारी मफादात होते हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, तो वो कहीं भी वोट दे सकते हैं, उसमें कोई जमाती पाबंदी नहीं होती। बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन वहां जब हमारे एक बात है कि ये जो बैट का निशान वापस ले लिया गया है, थोड़ा सा तो असर पड़ेगा। देखें जिसमें ये घर घर जाएंगे आप अपने टोलियों की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, जैसे तबलीगी जमात जाते हैं हर घरों में जी अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करें, इसी तरह ये घर घर जाएंगे तो घर घर जाके अपना हैंड बिल के जरिए अपना इंतखाबी निशान बता देंगे जी हमारा इंतखाबी निशान है, वहां सर मजलूमियत की दास्तान भी सुनाएंगे, इतना हमारा तो निशान ही, हमारा जो इंतखाबी निशान था वापस ले लिया गया हमारी अदालतों में। ये सारी बातें मजलूमियत की बातें तो करेंगे घर के जब जाएंगे, तो लोगों के जहन में तो आ जाएगा जो जो इंतखाबी निशान है उसका नाम भी आ जाएगा, इंतखाबी निशान का उनके जहन पे आ जाएगा। तो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए जगह जगह फॉरन मीटिंग करेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ा जो जो आपका जो बैठ कर इंतखाबी निशान, उससे नुकसान ये हुआ कि मजमूई तौर पर ये पार्टी जो है वो कौमी धारे से बाहर आ गई। कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जो खातीन के नशिस्ते हैं 227 उसे महरूम हो, इसको उनको नुकसान पहुंचा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लिया गया है ना उस पर भी बड़ा वो बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे हैं कि जी एक तो वैसे भी ये 5 मेंबर बेंच ने फैसला करना था, 3 ने किया है, कुछ सुकम है, कुछ फ्लॉज हैं, फिर वो कह रहे रिव्यू में भी जाएंगे, तो अभी वो बल्ला किसी सूरत छोड़ने को तो तैयार नहीं है, देखते हैं आगे मामला किस तरफ जाते हैं। ये सब ख्वाबी बातें, ये सारी ख्वाबी बातें, ख्वाबी बातें जब होती है उसके बारे में सारी बातें होती हैं तो वो उसको देखा जाता है, ये सब कौमी बातें हैं, इस लिहाज से उसका बारे में नहीं, कौमी उस पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया और कुछ और रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने और फैसला आखिरी और आखिरी है। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन के मामलात हैं और कुछ कानूनी तकाजे हैं जिसका हमने आपको इजहार भी किया, और इलेक्शन की कैंपेन बड़ी भरपूर चल रही है, आप भी एक इलेक्शन कैंपेन देखने और एक हल्के में गई हैं। बिल्कुल, मैं भी गई थी एक हल्के में, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब थी और मुझे इतना दुख हुआ कि वहाँ पे मेरी जितने लोगों से बात हुई बहुत मायूसी का शिकार थे। जितना टाइम नाजरीन मैं उस हल्के में रही हूँ वहाँ पर बिजली नहीं थी, दुकानों के बाहर जनरेटर्स चल रहे थे, लोगों के घरों में लाइट नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, गैस वहाँ पर नहीं थी, पानी का वहाँ पर मसला था, मनुष्यात वहाँ पर आम थी, सारे ही मसले थे। मैं NA 237 की बात कर रही हूँ, PS 105, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर जो कुछ मैंने देखा आप भी देखिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के NA 237 में मौजूद हूँ और ये सूबाई असम्बली का PS 105 है। यहाँ पर मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त है जो कि होने जा रहा है, लेकिन अगर इलाके की सूरत हाल की बात करूँ तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, नाले गंद से भरे पड़े हैं, कचरा जगह जगह दिखाई दे रहा है, रोड्स यहाँ पर बने नहीं हुए, पानी का मसला है यहाँ पर, लोड शेडिंग यहाँ पर बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है। मैं जिस वक्त इस हल्के में पहुँची हूँ उस वक्त भी जनरेटर्स ऑन थे, गैस मौजूद नहीं थी, बिजली मौजूद नहीं थी, और अब भी यही सूरत हाल है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ट्रैफिक जैम यहाँ पर मामूल की बात है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोग क्या राय रखते हैं। अगर इस हल्के की बात की जाए तकरीबन 1,66,000 के करीब वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ उम्मीदवारों के हवाले से तो इस वक्त यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला हमें देखने को नज़र आएगा, अगर कौमी असम्बली की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रऊफ़ सिद्दीकी हैं MQM से और उनका इत्तेहाद है, आपको पता ही है GDA, MQM, JJY, नून लीग, इन सब का इत्तेहाद है, और उनके उनके मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के कर्नल असद आलम नियाजी साहब हैं जो उनके मुकाबले पर खड़े हैं, मुकाबला काफ़ी सख्त है। और अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो यहाँ पर इरफानुल्ला खान मरवत साहब हैं और उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब से होने वाला है। तो ये सूरत हाल है, आइए चलते हैं जानते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है
और वो क्या सोचते हैं इस आगे आने वाले इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे आप थोड़ी सी? किसको वोट देंगे? देना तो किसी को भी नहीं चाहिए, ये हालात देख रहे हैं आप। जिसने भी वोट लिया काम नहीं किया। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएगा ये हलके में जो सूरत हाल है, मैं देख रही हूँ काफ़ी काम होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको नए आने वाले इलेक्शन से? मैम बेहतरी की उम्मीद है, वैसे भी इलेक्शन से पहले तो काम करवा ही देते हैं, इलेक्शन के बाद फिर वही हालात होते हैं जो आपके सामने। तो 20-25 दिन रह गए, काम तो कोई नहीं शुरू करवाया? ये इलेक्शन के बाद ही होगा, जो कोई नई टीम आएगी, अभी तो जो है हालात वो ऐसे ही रहेंगे और ना कोई अभी बेहतरी की उम्मीद। बताएंगे किसे वोट देंगे? मैम ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, चले जी जबरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को भी देने। यहाँ के मसाइल क्या है इलाके के? मसाइल आपके सामने, आप देखें। कुछ बेहतरी आएगी इलेक्शन के बाद? मुमकिन नहीं है। इतनी मायूसी? बहुत मायूसी है, 110%। वोट डालने जाएंगी? सोचेंगे। अगर रऊफ सिद्दीकी को आजम बस्ती के मकीन वोट देंगे तो क्यों देंगे? ये इनकी मर्जी है और ये खुद ही सोचेंगे क्यों देंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये क्यों क्यों करके 70 साल से बेवकूफ़ बनते रहे हैं। उठा उठा के काउंसलर का वोट एक को दे दिया, यूसी को दूसरी पार्टी को दे दिया, किसी फुप्पो के कहने दे दिया, किसी चाचा के कहने से दे दिया, किसी उम्मीदवार ने आके पैरों पर हाथ लगा दिया तो दे दिया। तो 70 साल से तो ये इन्हीं मामलों में उलझे हुए हैं। लिहाजा मैं इससे पहले भी यहाँ से मुंतखब हुआ था और दोबारा भी मैं मुंतखब हुआ था, लेकिन धांधली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत गया। यहाँ के आवाम बहुत प्यार करते हैं मुझे और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इत्तेहाद से कितना फ़ायदा होगा? जो MQM, GDA, JGUI, इन सब का जो इत्तेहाद है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा इत्यादियों को होगा, हमको नहीं है, हमारे वोटों से तो वो जीतेंगे। मिसाल के तौर पर हमारी जो रवायती सीटें हैं उसमें तो उनका वोट बैंक ही नहीं है, वो कौन सी हमें हमारी हिमायत कर देंगे? हमारे वोट से मिसाल के तौर पर दादू है, वहाँ हमारे 25 साल वोट हैं और वहाँ MQM जीत नहीं सकती, लेकिन हम हरवा सकते हैं जिसको चाहेंगे या हम जिसे चाहें जीतवा देंगे। तो हम वहाँ पे GDA को सपोर्ट करेंगे। ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं हमारी, हमने एक पाकिस्तान के मसाइल का हल 3 अमेंडमेंट में दिया है कि जैसे हमारी जद्दोजहद रही थी कि सूबाई खुद मुख्तारी हो, इसी तरह अब हमारी जद्दोजहद यह है कि तमाम ज़िलों को इंपावर किया जाए लोकल गवर्नमेंट से और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का फाइनेंशियल, वहाँ की पुलिस उस ज़िले ही हुकूमतों के दरमियान हो, क्योंकि 3 टीयर्स होते हैं ना डेमोक्रेटिक सिस्टम के, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर ये 2 गवर्नमेंटें चलाते हैं, तीसरी नहीं बनाते कि MPA और MNA नाली और गटर बनाए, ये दुनिया में कहीं होता है? MPA बैठ गया वो जाके अपना काम करें, ये करप्शन का एक नया जरिया है। चलें जी, अच्छी बात है आपके जहन में ये जो स्ट्रेटजी है। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्नआउट? बहुत होगा इस दफ़ा तो, बहुत इंशाल्लाह होगा, और इस दफ़ा तो इतने सरप्राइज होंगे कि दुनिया देखेगी। तो मैसेज देंगे? एक तो मैं यहाँ की इस टर्मिनोलॉजी से बड़ा परेशान हुआ, वो तो तकरीर में भी रह गया, तो कोई कह रहा था कि यहाँ पर ये तय हुआ है कि बड़ा वोट MQM को देंगे और छोटा जो है वो GDA को देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कसाई की दुकान पे खड़े और बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, और भाई जिसको जो मर्जी आए वो वोट दे। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा MQM अपनी रवायती सीटों के ऊपर बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उसकी वजह ये है कि लोग इंशाल्लाह ताला लोग थक गए हैं और ये पूरे पाकिस्तान में, और ये जो इलेक्शन तो जैसे तैसे करके हो ही जाएगा, अगला इलेक्शन अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में MQM के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, अगला इलेक्शन इंशाल्लाह MQM का होगा। हमारे पास 4 साल मिल जाएंगे, हम जो परफॉर्म करेंगे, और मैंने एक दफ़ा मजाक भी पाकिस्तान के साहिब इख्तदार को कहा था कि एक दफ़ा 2.5 साल के लिए पाकिस्तान MQM को पट्टे पर दे दें, हम 10 साल का काम करके आपको हवाले कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें दीगर जो यहाँ पर नुमाइंदगान हैं, कैंडिडेट्स, उम्मीदवार हैं, उनसे मिल सकें और जानें कि वो क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस को लेके।
जी हल्के की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर कितना कुछ ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, गंदगी है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि यहाँ पर कभी कोई नुमाइंदा इलेक्ट होने के बाद आया था या उसने कोई काम भी करवाया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट्स उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी। इस वक्त पी एस 105 और जी डी ए के कैंडिडेट हैं इरफानुल्लाह खान मरवत साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो हालात मैंने बाहर देखे हैं ना, बहुत ही अफसोस हुआ देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए ये इलाका आप यहाँ से देख रही हैं कि बिल्कुल डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और होना तो ये चाहिए था कि कोई 19-20 का फ़र्क होता, पर यहाँ 2018 से ले कर अब तक यहाँ पे जो MPA साहब रहे हैं, सईद गनी साहब उनका नाम है, उन्होंने बिल्कुल तवज्जो दी नहीं, वो वल्ला आलम किन कामों में लगे रहे पर हल्के के किसी काम में नहीं लगे। और ये हाल हो गया है जी कि यहाँ पीने का पानी नहीं है, यहाँ गैस की शदीद तकलीफ़ है जी, और गरीब लोग हैं जी, कहाँ से सिलेंडर ख़रीद के लाएं, खाना खाएं, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, या सिलेंडर ख़रीदें, या बच्चों की स्कूल की फीसें दें। उसके साथ साथ जी इस जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ गर्मियों में होती है तकरीबन 16 घंटे लोड शेडिंग, और आजकल सर्दियों में तकरीबन 10 घंटे। तो ये हाल है जी इस इलाके का। बाकी सड़कें आपने देख ली जी कि यहाँ जीप भी मुश्किल से गुजरती है, नाले आपने देख लिए, गंदगी है हर जगह, बीमारियाँ फैल रही हैं। पर जो MPA साहब थे, वज़ीर भी थे 5 साल, उनको जूं से तू नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताइएगा मरवत साहब कि अभी इत्तेहाद बन गया है MQM का, GDA का, JUIFA का, मतलब आप लोग सब जमातें ही एक साथ हो गई हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो क्या आपको तवक्कुआत है, टर्न आउट कैसा रहेगा, लोगों की पल्स अभी आप देखें लोगों में मौजूद हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए लोग तंग हैं, लोग बेजार हैं, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना जी जिससे ज़िंदगी ज़रा या तो आरामदेह होती है या तकलीफ़देह होती है, पूरे सिंध में जी लोग चेंज चाहते हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, अब मैं उनके किस्सों कहानियों में पड़ जाऊं कि जी उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, हम सबको पता है क्या किया। कोई ख़ास पैगाम जो कि आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं? ख़ास पैगाम मैं अपने वोटर्स को ये देना चाहता हूं, ये निकलें 8 तारीख को, अपना हक इस्तेमाल करें, मेरी माएँ बहनें जो हैं अपना हक इस्तेमाल करें, और फिर अगर अपना हक सही माने तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो ये मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो सईद गनी ने जो 5 साल में किया है वो सबको नज़र आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये सोलो फ्लाइट ही होगी कि आप आराम से जीत जाएंगे, या फिर किसी को अपने मद्दे मुकाबले ऐसा समझते हैं जो टफ टाइम देगा? मैं नहीं समझता कोई टफ टाइम देगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये सारे हल्के की सूरत हाल मैंने आपको गाहे बगाहे बताई है, यहाँ पर मौजूद लोगों की भी राय आपने जानी है। मेरे पीछे भी आप मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ पर गटर उबल रहे हैं, रोड्स की बुरी हालत है, और जगह जगह आपको कचरा दिखाई दे रहा है, लोग इतनी दुश्वारी से इस रास्ते से गुजर रहे हैं और मजबूर हैं, जाहिर है इसी मजबूरी की वजह से वो आज मायूस भी हैं और उनको कोई बेहतरी के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। वो यही कह रहे हैं कि वोट डालने जाएंगे भी तो क्या फ़ायदा। तो खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मायूस रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी कि मायूसी कुफर है, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाए, और जो कोई नया यहाँ से नुमाइंदा मुंतखब होगा वो आवाम की फलाह के लिए काम करे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए प्रॉपरली काम होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। और हम आपको गाहे बगाहे यहाँ की सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे। वापस चलते हैं स्टूडियोज़। अच्छा मुदस्सिर मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत कोशिश की थी सईद गनी साहब से कांटेक्ट करने की, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, और वो इस कदर बिजी थे कि उनको हल्के में पकड़ना भी नामुमकिन था कि अपनी लोकेशन ही नहीं वो शेयर कर रहे थे। वो पकड़ाई देते तो यकीनी तौर पर आपने फिर सवाल भी करना था, क्योंकि उनकी हुकूमत थी सिंध में बिल्कुल, और वो कामयाब हुए थे, वो वज़ीर भी बने थे इस इलाके में, तो इन इलाकों में काम क्यों नहीं हुआ। बहरहाल अब आवाम फैसला करेगी कि 8 फरवरी को किसको वोट देना है और किसे नहीं, लेकिन ये पुराना NA 244 था, अली जैदी कामयाब हुए थे और सईद गनी इसी। अच्छा इसमें जो कौमी असेंबली है ना उसके तकरीबन 4.5 लाख के करीब वोटर्स थे, और जो सूबाई असेंबली है उसके तकरीबन 1,68,000 के करीब वोटर्स थे, और काम वहाँ पे बहुत होने वाला था, और ऐसे बहुत सारे शॉट्स थे लोगों के जो कि हम लोगों ने नहीं चलाए क्योंकि वो इतने मायूस थे और इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे कि जो कि हम ऑन एयर नहीं कर सकते थे।
तो अब खासा एक मुश्किल काम है जो फिर 8 फरवरी को लोगों ने वोट के जरिए अब करना है कि किसके हक में और किसके मुखालिफत में। बहरहाल एक जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इस हल्के में होंगे। एक मजे की बात आपको बताती हूं, जो थे ना यहाँ पर रऊफ सिद्दीकी साहब, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग करे थे, जाहिर है मैं भी वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई कि मैं इनसे बात करूँगी, तो उन्होंने वहाँ पर लोगों को बड़ा मज़े का मशवरा दिया कि उन्हें बता रहे थे लोगों को कि जी आपको पैसों की ऑफर होगी तो आपने ना पैसे नहीं छोड़ने, पैसे आपने ले लेने और वोट आपने फिर भी MQM को देना है, और अगर आपको ये डर हो कि आपको तो झूठी कसम आपने खा ली है पैसे लेते वक्त या आपने कुरान पे हाथ रख ली तो आपने उसकी 2 किलो गंदम लेके उसका कफारा अदा कर देना है, पैसे आपने रख लेने हैं, 2 किलो गंदम किस में से कट जाएंगे, बाकी आपकी जेब में जाएंगे जितने भी हों, तो डरना नहीं है, वोट आपने MQM को देना है। तो कैंपेन में फतवे भी दिए जा रहे हैं। वायरल, अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ म्यूज़िक की भी बात हो रही है। बिल्कुल भाई, आजकल तो बड़े म्यूज़िक बैंड्स हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उभरते हुए म्यूज़िक बैंड्स हैं, और के नौजवान जो गुलकारों के साथ बरतानवी गुलकार जैन मलिक हैं, उन्होंने उर्दू में गाना गाने की उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये वो लोग जिन्होंने इनको नहीं उर्दू में गाते हुए सुना या गुनगुनाते हुए सुना, उनके लिए किन एक ट्वीट होगी। जाहिर है पाकिस्तानी ब्रिटिशर और उनका कुछ तलफ़ भी वैसा हो जाता है, तो फिर जब उनको उर्दू में गाते समझते गुनगुनाते सुने तो वो जाहिर है ट्वीट है, तो बड़ा अच्छा लगा इनको सुन के। और आजकल वैसे आपने देखा कितने बैंड्स आ गए हैं, की के नाम से बैंड और पता नहीं कौन कौन से बैंड, दोबारा से 90s के दौर मुझे तो लग रहा है कि जब बैंड्स क्या, बैंड्स बीच में बिल्कुल थोड़े से कम हो गए, सोलो ज़्यादा गाने वाले आ गए, अब दोबारा से मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से बैंड्स का रुझान बढ़ रहा है, फिर रैप का, फिर हिप हॉप का, रॉक का, वो दोबारा से 90s का दौर हमें। चलिए, हमने तो खैर इस गाने को बहुत एंजॉय किया, होप सो आपने भी किया होगा। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, और अब आपको मौसम का अहवाल बताना है। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर है, लेकिन कराची में पिछले 2 दिन से टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। कल कराची की फजा शदीद आलूदा थी और एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड हुआ था, तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से कि आलूदगी भी बहुत है और सर्दी भी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत में 4 डिग्री इजाफा होने से दोपहर के वक्त शदीद गर्मी थी, आज भी कराची में दोपहर के वक्त गर्मी होने का इम्कान मौजूद है। अगर हम मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब आपसे टेम्परेचर शेयर करती हूँ मुख्तलिफ शहरों के। सबसे पहले शहर कायद कराची की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 17 और ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पार्टली क्लाउडी है, सूरज भी निकला हुआ है, आसमान पर बादल भी हैं, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची के बाद हम चलेंगे कोयटा, कोयटा में भी बादलों के साथ हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और क्लाउडी वेदर है, यहाँ पर आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं। कोयटा के बाद रुख करते हैं जी मुल्तान का, मुल्तान औलिया का शहर, यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर भी वेदर हम देख रहे हैं क्लाउडी है, आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश का यहाँ पर भी फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मुल्तान के बाद अब चलेंगे बागों के शहर लाहौर में, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाहौरी काफ़ी ठंड महसूस कर रहे हैं और अंदाज़ा हो रहा है वहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फूड रेस्टोरेंट्स पर रश है और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है, सूप धड़ाधड़ बिक रहा है। और लाहौर के बाद अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर शहर इक़्तदार में कम से कम टेम्परेचर 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्लाउडी है वेदर, आसमान पर बादल है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी बारिश के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा। इसके बाद आखिर में मैं आपको पेशावर की सूरत हाल से आगाह करती हूँ, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मुल्क में सर्दी की लहर है, अपने जोबन पर है सर्दी, अपना ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, बच्चों को स्पेशली सर्दी से बचाएं और बुज़ुर्गों को। अब मुझे चलना है मुदस्सर के पास वापस, ओवर टू यू मुदस्सर। जी शुक्रिया सहरिश, आपने मौसम का अहवाल बता दिया है, पूरे मुल्क में मौसम के जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन
आपको एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से दें कि ई स्पोर्ट्स चैंपियन अरसलान ऐश ने एक और एजाज अपने नाम करते हुए टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 का टाइटल जीत लिया। अमेरिका में होने वाले फाइनल में अरसलान ऐश ने कोरिया के चेरी बेरी मैंगो को हराया। CBM के नाम से पहचाने जाने वाले कोरियन खिलाड़ी पाकिस्तानी गेमर के सामने बेबस दिखाई दिए और मैच में खातर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। अरसलान ऐश इससे कबल 4 मरतबा चैम्पियन भी रह चुके हैं और अब टेकन वर्ल्ड टूर जीतने के लिए वो गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। तो जनाब, जो वीडियो गेम खेलते हुए माँ बाप से घर से डांट पड़ती थी उसमें भी वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान बन गया, तो जनाब ये फ़र्क है सरिश? बिल्कुल मुदसर, वही दौर जिसमें हम देखते थे कि पेरेंट्स बच्चों को सख्ती से मना करते थे कि तुम क्या हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो, पढ़ाई को पूरा टाइम दो, वहीं पर ये पैशन है। देखिए उन्होंने भी, अब देखें वक्त के साथ से जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, फील्ड्स चेंज हो रही है, नई फील्ड्स बन रही हैं, तो हर कोई अपना अपना लोहा अपने अपने शौक और अपने पैशन के मुताबिक बनवा रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने तीनों तरह की गेम्स के फॉर्मेट्स के अंदर ये एजाज़ अपने नाम कर लिया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही हैं, दुनिया के मसाइल भी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर बढ़ती डिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसा मसला है जो इससे निमटने के लिए बड़े बड़े इदारे जो हैं वो अपने तई कोशा हैं। अमरीका में होने वाले इंतखाबात हों या पाकिस्तान का तेज़ी से तब्दील होता सियासी मंजरनामा, हर तरफ जो डिस इन्फॉर्मेशन है ना उसका फैलाव अपना रंग दिखा रहा है और इस हद तक असरअंदाज होता है कि राय आवाम में तब्दीली लाकर हुकूमतें बनाता भी है, गिराता भी है। बिल्कुल, सोशल एक्सपर्ट निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। निगत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बहुत काम इस हवाले से किया है सोशल मीडिया रिलेटेड, पर डिस इन्फॉर्मेशन, ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है आलमी चैलेंज है पूरी दुनिया में, तो ये क्या ऐसे ही रहेगा, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, या इसके अंदर ही अब जीना सीखना होगा और उसमें से फिर इंफॉर्मेशन निकालनी होगी और डिस इंफॉर्मेशन से दूर होना का क्या करना है? देखें मुदस्सर, ये डिस इन्फॉर्मेशन हमने पिछले इतने सालों में देखा कि वो एक जो चैलेंज है वो बढ़ा ही है, वो कम नहीं हुआ। डिस इन्फॉर्मेशन हो गई, फेक न्यूज़ हो गई, लेकिन अब जब एआई और जेनरेटिव एआई का दौर आया है तो हमने ये देखा है कि वो चैलेंज ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि वो और पेचीदा हो गया है। तो एक इतना बड़ा जो इन्फॉर्मेशन का इकोसिस्टम है उसमें से भरोसे की खबर निकालना, कि जो सच्ची खबर हो, जो कि सेंसेशनल ना हो, जो कि झूठ पे मबनी ना हो, जिसमें बदनीयती शामिल ना हो, उसको निकालना अब बहुत मुश्किल है। आपने पूछा कि इसका क्या हल हो सकता है, डेफिनेटली हमें इसी इकोसिस्टम में ही रहना है बल्कि खुद को तैयार करना है। मैं पहले भी कहती थी क्या हम तैयार हैं ये डिस इन्फॉर्मेशन से डील करने के लिए, अब मैं ये कहूँगी क्या हम तैयार हैं ऐसे डिस इन्फॉर्मेशन से डील करने के लिए जिसमें एआई और एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो भी शामिल हो गया है। हम बिल्कुल तैयार नहीं है, हमें बहुत से काउंटर जो इनिशिएटिव्स हैं और काउंटर नैरेटिव्स हैं उनको देखना होगा कि हम क्या तगोदो कर रहे हैं, हम कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो इस चैलेंज को इस इशू को चैलेंज करें। वो हमें इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स फैक्ट चेकिंग के या वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आप बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं कि चैलेंजेस हैं और हमें इसमें परखना है क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। एज ए जर्नलिस्ट हम अक्सर जगहों पर जाते हैं, हमें आम आवाम में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी ये खबर है और हमें नहीं समझ आती कि वो ठीक है या गलत है, आप हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चले। तो हम उनको अक्सर ये मशवरा देते हैं कि आप जब एक बात को 3-4 लोगों से सुने उसके बाद आप किसी ऐसे ऑथेंटिक बंदे से जिसकी बाकायदा रिसर्च हो या फिर वो किसी लॉजिक या किसी प्रूफ के साथ आपसे बात कर रहा हो उसको तलाश करके उसकी बात पर यकीन करें, जो कि कॉमन बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इस सोशल मीडिया की दौड़ में ये जो सियासी जमातें हैं ये बड़ा असरअंदाज होती हैं, इससे वो किस तरह से बचेंगी, किस तरह एक कॉमन बंदा इस भंवर से निकलेगा? देखिए सबसे बड़ा मसला तो एक आम बंदे का ही है ना, एक जो कॉमन इंसान है, जो यूजर है, जो कंज्यूम करता है ये सारी खबरें सोशल मीडिया से, वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है इससे। जो आप सियासी जमातों की बात करी हैं वो सियासी जमातें मुतासर हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही सियासी जमातें हैं जो जेनरेट भी करती हैं डिस इन्फॉर्मेशन। सो आई थिंक हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पावरफुल लोग हैं वो जानते बूझते हुए और पावरफुल जो इदारे हैं
हैं या जो जमाते हैं ये जनरेट करती हैं खुद ये इंफॉर्मेशन ताकि लोगों का बयानिया जो है वो उनका जहन तब्दील किया जा सके, बयानिया तब्दील किया जा सके, आम इंसान जो आपने बात की कि खबर को वेरीफाई करें, अब इसी वजह से वो खबर को वेरीफाई करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो वहां से वेरीफाई करेंगे ना, कोई वेरिफिकेशन उन्हें प्रोवाइड करेगा। इस वजह से फैक्ट चेकर्स की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा कि हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट चेकर्स जो है वो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्चुअल इंफॉर्मेशन मयसर होनी चाहिए, जहां पे फेक है वहां पे काउंटर इंफॉर्मेशन भी ट्रुथ फुल इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो ताकि आम यूजर को वो आसानी से दस्तियाब हो, जो कि इस वक्त नहीं है और इस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा निगहदात, अभी हमने अमेरिका के इंतखाबात देखे, उसमें बड़ा असर अंदाज ये सोशल मीडिया का था, फिर डिस इंफॉर्मेशन के मामला थे, हैकिंग के भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगते रहे। अब पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इससे पहले भी हमें ये सोशल मीडिया का दौर ही नज़र आ रहा है और इस पर डिस इंफॉर्मेशन, इसको अब कैसे काउंटर होगा, और या आम आदमी पर फिर ये डिस इंफॉर्मेशन ही चाहिए रहेगी सोशल मीडिया के जरिए चल रही है जो। देखिए मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहूँगी कि डिसइंफॉर्मेशन ऐसी ही रहेगी, ये बल्कि बढ़ती जाएगी, लेकिन आम आदमी जो है वो एक तो ये कि अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करें कि कौन क्या बात कर रहा है और किस नीयत से कर रहा है, तो उसके हवाले से अपने भी थोड़े से बायसेस को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पे जाके आप सिर्फ वेरीफाई करें, हम ये देखें कि ये कितनी दफ़ा किसने क्या बात की है, किसने इसका काउंटर दिया है, तो ये जो सिर्फ व्हाट्सएप पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है फिर उसको फॉरवर्ड करना हम शुरू हो जाते हैं, हम वेरी भी नहीं करते, ये इस तरह के रवैये को हमें डिस्करेज करना चाहिए और खुद को भी रोकना चाहिए कि क्या जो मैं इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं कंज्यूम कर रही हूँ क्या ये सही है। मुझे मैं ये कहूँगी कि हर इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ें उसको डाउट के साथ पढ़ें और फिर चेक करें, खास तौर पे उन लोगों की जो कि एक्चुअल इदारे नहीं हैं खबरों के, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जैसे वीलॉगर्स हो गए, जैसे यूट्यूबर्स हो गए, उनका कोई एडिटोरियल नहीं होता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो ये बहुत जरूरी है। यानी कि वही बात है निगत के इसमें हमें इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, जिस खबर के हवाले में हमें कोई डाउट हो हमारे जहन में उसको बेहतर है कि आगे स्प्रेड ना करें जब तक वो किसी ऑथेंटिक जराए से ना आए। बहुत मतलब ये कि कहीं और कोई इदारा नहीं कर सकता, खुद ही करना पड़ेगा। एक चीज होगी, हुकूमत को सोचना होगा कोई ऐसा इदारा भी बने। जितने भी इदारे ने बड़ी अहम बात की थी सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए व्लॉगर्स हैं या कोई लिख रहे ब्लॉगर्स हैं वो जो कुछ लिख रहे हैं उसके काउंटर ही नहीं है, वो चेक ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया निगत, आप हमारे साथ मौजूद थी और साथ ही साथ डिस इंफॉर्मेशन के जरिए खाने पीने की आजकल बहुत ज़्यादा बात है, सर्दी जब भी होती है वो तब खाने के मामले में ना मुझसे डिस इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, उसकी वजह ये है कि खाना जो अगर बड़ी डिस इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको बताता हूँ पहले आप बात करें। चलिए जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल जो है ना हॉट एंड स्पाइसी फूड डे मनाया जा रहा है, तो कराची की बिरयानी और लाहौर के चना पाए जो है वो आपको पता बड़े मशहूर हैं, तो पाकिस्तानी खाने अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में अपनी पहचान आप रखते हैं। चटखारों की इस आलमी दिन का मकसद खानों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की अफादियत से आगाह करना है। आलमी दिन पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं ये हमें मुदस्सर अब जानना है। बिल्कुल, और लाहौर चलते हैं, खाबों का शहर है, खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, लाहौरी मशहूर हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आज जो चटखारों का आलमी दिन है उस पर लाहौरी चटखोरे क्या कहते हैं? अच्छा बिल्कुल मुदस्सर, शहर लाहौर क्योंकि खाने पीने का शौकीन है और ज़िंदा दिलाने लाहौरी अगर इस तरह का कोई मौका मिल जाए तो उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं और जाने नहीं देते, तो इस वक्त लाहौर के मशहूर और कदीमी रेस्टोरेंट कैपरी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। ये गुलबर्ग में वाक़ है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और मुख्तलिफ पकवान जो है वो खा रहे हैं। कोई सिरीपाई खा के लुत्फानंदोज हो रहा है तो कोई हलवा पूड़ी खा कर जो है वो मज़े कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। मुझे बताइएगा, आज आलमी दिन भी है खाने पीने के हवाले से और आप सब दोस्त यहाँ पर आए हैं, क्या खा रहे हैं और लाहौरी वैसे भी खाने पीने के शौकीन है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लाहौर जो है खाने पीने के हवाले से पूरे वर्ल्ड में फेमस है और मौसम भी ठंडा है, फोग वगैरह भी है, तो हम आए हैं दोस्त नाश्ता करने के लिए यहाँ पे,
इनका जो है हलवा पूड़ी हमने ट्राई किया है, बहुत अच्छा है, और बाकी भी सारी डिशेज इनकी अच्छी है, चाय वगैरह पी हमने जो है ना, तो ज़बरदस्त है। बिल्कुल आपने बात सुनी, वाकई ज़बरदस्त है। लाहौर के खाने जो हैं वो मशहूर है, और जो रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं ये तो वैसे लाहौर जो पानी आ रहा है, एक तो हलवा पूरी उसके बाद ना, लेकिन अभी डिसइंफॉर्मेशन इस पे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी हमें मां पारा जमान के पास जाना है जो इस्लामाबाद में मौजूद है, वो बताएंगी कि इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं वो कितना एंजॉय करते हैं खानों को। जी मां पारा जी, बिल्कुल आज दुनिया भर में वर्ल्ड इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का एक तो मकसद ये है कि जो लोग खाने के शौकीन अफराद हैं और वो हॉट एंड स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए एक मखसूस दिन होता है कि वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ खाने बनाते हैं और एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही हम इन खानों का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में जो मसाला जात आते हैं, हम समझते हैं कि वो जंक फूड, और दूसरी साइड पर हम उसको ले जाते हैं जो कि हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, मैदे की अक्सर बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। लेकिन जो है वो ये जो हॉट एंड स्पाइसी डे है, इसको इस हवाले से मनाया जाता है कि जो मसाला जात का इस्तेमाल है वो आज से नहीं बल्कि 6000 साल पुराना है, और ये मसाला जात जो है इनमें जो हेल्दी मसाला जात है जैसे कि लहसुन हो गया, अदरक, हल्दी हो गई, ज़ीरा हो गया, इनका इस्तेमाल जो है वो वाफर मकदार में लोग खानों में करते हैं और फिर इसको फूड को स्पाइसी करके खाया जाता है। इसमें एक ये होता है कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग होता है, जो बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी स्ट्रांग होती है। बहुत शुक्रिया जमान हमें आगाह करे थे इस्लामाबाद से, और आज जो इंटरनेशनल फूड स्पाइसी डे है ये मसाला जात हमें बताइए। रहमत शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बताएंगी ये फ़ायदा मंद हैं या नुकसानदेह होते हैं। बिल्कुल फ़ायदेमंद हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला ने जब चीज़ें आपको दुनिया में पैदा करके दी हैं तो उनके कोई ना कोई फ़वाद तो हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ को किस वे में इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उसकी एफिकेसी पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि किंग हमारे पास स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा जो कंसिडर हम करते हैं वो ब्लैक पेपर को कंसिडर करते हैं। अच्छा। और हमारे पाकिस्तानी खानों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चावल हो या सालन। अच्छा, मुझे लगता है रेड चिली ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, हमें तो लगता है बस लाल मिर्चें ही खाई जा रही है पूरी। नहीं, हमारे अगर देखा जाए तो हम चावल उबाल रहे हैं तो काली मिर्चें डाल रहे हैं, सुबह अंडे में आप सबसे पहले ब्लैक पेपर ऐड करते हैं, और ब्लैक पेपर में एक कंपाउंड होता है जिसको कैप्सिकिन बोलते हैं, जो हर किसी स्पाइस में होता है। स्पाइस का मेन एलिमेंट ही कैप्सिकिन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कैप्सिकिन में सबसे अच्छी जो बात होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, और वो लोग जिनको किसी किस्म का पेन है मसल्स में या किसी किस्म की जो है हम बोलते हैं कि मसल्स पुल हो गए यूजुअली एक्सरसाइजेस के बाद, तो उनके लिए काली मिर्च जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है पता ही नहीं होता कि कौन सी स्पाइसेस कब यूज़ करनी है, तो हम उस वजह से बड़ा जो है ना लैग कर जाते हैं। जैसे कि हमने बचपन में बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि कभी गिर गए तो हमारी नानियाँ दादियाँ या हमारी जो वालदा वो हमें हल्दी दूध दिया करती थी। एग्जैक्टली। लेकिन अब वो रुझान बहुत कम हो गया है, लोग अब हल्दी दूध नहीं देते, वो जल्दी से कोई ना कोई दवा पिला देते हैं बच्चे को कि बस अपने दर्द कम हो जाए। हल्दी दूध, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि एक बार सहरिश हुआ कि मेरी बेटी को हल्दी दूध हमने दिया, उसको हल्दी तो नहीं आ रहा था कि क्या है, वो कह रही थी हेल्दी दूध, मैंने कहा जी ये हेल्दी दूध है। तो वो बिल्कुल उस वक्त मैंने ये सोचा कि पुराने जमाने में जो हल्दी दूध दिया जाता था वो बेसिकली हेल्दी दूध था, और जब चोट लगती है तो उसकी कभी हमने वजह ही नहीं जानने की कोशिश की कि सिर्फ चोट लगने पर ही क्यों हम हल्दी दूध पीते हैं। जो हल्दी है उसमें जो कंपाउंड है कर्क्यूमिन, जो बहुत मतलब रेयर जो है हम किसी चीज़ में मिलता है, सिर्फ एक हल्दी का ही एक ऐसा खासियत हम बोल सकते हैं, वो आपको फंगस की तरफ, इन्फेक्शन की तरफ जाने से रोक देता है। इसीलिए जब कभी बहुत ज़्यादा लग जाती थी तो शहद में हल्दी मिला के उस जगह पे लगा दिया जाता था, जो हम आज आयोडीन के तौर पे जो है अपनी चोट पे लगाते हैं, वो उसी वक्त ब्लड स्टॉप करती थी और उस हिस्से में इन्फेक्शन से रोक दिया करती थी। लेकिन अब हम लोग की वो नॉर्मल इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो हम इस तरफ नहीं जाते। अगर आपके मुंह में कहीं चोट लग जाए, जैसे बच्चों के अक्सर गिरने से दांत टूट जाता है या होंठ फट जाता है, तो चीनी भर देते हैं जी, इससे भी कहते हैं ब्लड रुक जाता है, पता नहीं। हाँ, इसमें ब्लड रुकने मसला क्या होता है कि ब्लड जो है वो ऐसी आपका एक लिक्विड है ना, वो आपका फ्लो कर रहा है, तो आपने उसको एक ऐसी चीज़ के साथ कांटेक्ट कराया जिसने वहाँ पे जाके एक लेयरिंग कर दी। बस वो एक लेयरिंग है जो आपके ब्लड को स्टॉप करती है, उसका चीनी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि बच्चा रो रहा है, उसको कुछ मीठा भी देना है, किस तरह से रोकना है, तो वो नानियों दादियों ने एक पैटर्न बना दिया जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं कि बच्चे को लगेगी तो बस फौरन से चीनी को बहुत ज्यादा चीनी कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। सही। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइएगा, क्योंकि हम मसाला जात की बात कर रहे हैं, ये जो मसाला जात प्रिजर्व होते हैं,
क्या ये ठीक होते हैं इंसानी सेहत के लिए? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ख्वातीन को ना क्विक फिक्स चाहिए, उनके जॉब्स करती हैं, बच्चे संभालने होते हैं, और फिर जाहिर है उन्होंने रेसिपीज तो याद नहीं की होती हैं, वो फटाफट बस मसाला पकड़ा, ये इस डिश का मसाला है, वो डाला और खाना पक गया। इस बात पे भी नानियां दादियां याद आ गईं कि वो सिल पर पहले पीसा करती थी। लेकिन बच्चे तो हमेशा से ही शुरू से हमारी औरतें पालती हुई आ रही हैं, तो वो टाइम के साथ बस हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर ली। और दूसरा, शायद पहले के दिन हमें लगता था कि बड़े थे और अब हमें लगता है कि बहुत छोटे हैं, जितनी आसानियाँ वक्त के साथ साथ हमें मिलती जा रही हैं। लेकिन प्रिजर्व मसाले अगर आप ले रहे हैं कि बहुत कोई मजबूरी है तो आप लें। अब रेसिपी मिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें जल्दी, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रेसिपीज़ आती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो हम उसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम रेसिपी इंटरनेट से निकालें, उसको पीसें, उसको बनाएं, तो वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है, तो हम एक बहुत जल्दी से एक करते हैं। लेकिन प्रिजर्व जितने भी स्पाइसेस हैं, एक तो वो अपना टेस्ट खो देती हैं वक्त के साथ साथ, जितना लॉन्ग टर्म आप उसको स्टोर करेंगे वो अपना टेस्ट खो देंगी। दूसरा, आप जब एक ग्राइंडिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसका ड्राइंग का प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजर के मसाला बन रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स तो आप ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। जैसे कि आप लाल मिर्चें जब पीसते हैं तो उसका जो कंपाउंड है कैप्सिकम, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी ही पेपर्स में होता है, वो मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में आने से लूज़ हो जाता है। तो जब आप ग्राइंड कर रहे हैं तो वो मेटल का ब्लेड है, उसके साथ वो अपना जो है वो एफिकेसी ख़त्म कर देता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता। इसलिए आप देखें, जो मसाले सिल पे पिसा करते थे, पत्थर पे पिसा करते थे, उनका टेस्ट और अब के जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत अलग होता है। पहले लोग बोलते थे कि हमारे टाइम पे तो इतनी बीमारियां नहीं थी, अब के टाइम पे बहुत बीमारियां, इसलिए कि वो जो मिर्च इस्तेमाल करते थे उसका फ़ायदा उनकी बॉडी को मिल रहा था, लेकिन अब जो हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलता। और दूसरा, वो एडल्ट्रेटेड भी बहुत होती हैं, उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, उसमें अगर हम किसी सस्ती जगह से खुला हुआ ले लें तो उसमें कोई रेड ब्रिक पाउडर मिला हुआ होगा, बहुत सारे एडल्ट्रेटेड कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं। नहीं, ये तो अब बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है नाज़रीन जहाँ पर जो लाल मिर्चें हैं अगर वो साबुत में होंगी तो वो महंगी होंगी, और अगर वो पिसी हुई एक किलो लेंगे तो वो सस्ती होंगी। ये जादू है, यानी पिसने का, पैकिंग का, किसी चीज़ का खर्च ही नहीं हो रहा, और अगर आप साबुत लेंगे अपने अपने घरों में पौधे लगा लें, टमाटरों के, मिर्चों के, धनिए के, पुदीने के, गमलों में लगा लें। भाई बहुत सारे लोग हैं जो गार्डनिंग करते हैं अपने घरों में, उन्होंने लॉन्स के अंदर लगाई हुई सब्जियां, वो नहीं मंगवाते बाहर से। असल में ये है कि किचन गार्डनिंग तो पहले दौर में यही था, इसलिए तो हम इतना बड़ा अज़र मुबादला भी खर्च कर रहे होते, तो ये चीज़। लेकिन एक आपने कहा मसाले अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो मुझे लगता है हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को पल्ले बांध लिया है, मसाले इतने लगाते हैं कि जब तक बिरयानी स्पाइसी ना हो और गरम मसाले के साथ चने ना हो और पाए के ऊपर तैरता हुआ घी और उसके अंदर लालो लाल मिर्चे ना हो, वो कहते हैं ये तो अच्छा ही। अच्छा, देखिए मैंने अपनी कॉन्वर्जेशन के स्टार्ट में यही बात बोली कि बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अब वो स्पाइसेस जिनके फ़ायदे हैं, अगर आप उनको इतनी क्वांटिटी में, जितना हम खासतौर पर कराची वाले बिरयानी में डाल के खा रहे उतना अगर हम वो खाएं, तो उससे सबसे पहला मसला तो आता है कि लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है। अक्सर आप लोगों से ये शिकायत सुने हैं कि मेरा स्टमक अपसेट हो गया या मेरा हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने उस मिर्च को जो आपकी नीड थी उससे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जब आपने वो इस्तेमाल की तो अब आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एक सर्टेन लेवल तक उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसान भी हैं बिल्कुल उन चीज़ों के। लेकिन अगर आप, हम जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गर्म मसाला, अगर हम उसको रोज़ाना खाने में बहुत ही एक कम मिकदार में इस्तेमाल करें, एक चुटकी के बराबर इस्तेमाल करें, तो उसमें तो सारी इतनी अच्छी स्पाइसेस हम मिलाते हैं उसमें, इलायची मिला रहे हैं, दालचीनी मिला रहे हैं, लौंग है, काली मिर्च है, सारी इतनी अच्छी स्पाइसेस, गोल्ड स्पाइसेस होती हैं कि वो आपकी बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो एसिड रिफ्लक्स है, आपका हार्ट बर्न, उस सबको बड़ा मेंटेन रखेगी। मुझे आपसे ना दो बातें पूछनी है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएगा कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से काली मिर्च, लाल मिर्च प्रेफरेबल हमें किसको रखना चाहिए? ब्लैक पेपर को, ज़्यादा आफादियत है बिल्कुल उसकी, ज़्यादा, एक तो उस बहुत ज़्यादा पंजेंसी नहीं होती, बहुत तेज़ी नहीं होती। दूसरा, उसमें जो है ना आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपके पास लाल मिर्च में थोड़े कम आपको मिलते हैं क्योंकि उसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है। और जो काली मिर्चें होती हैं ना, वो आपको अगर कभी किसी बच्चे को खांसी, बुखार, इस तरह से कोई जो माइनर से सिम्टम्स आ रहे होते हैं इनिशियल, अगर आप वो शहद के साथ दे दें तो उनके वो जो जितने भी आप बोल सकते हैं कि उनके आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सप्रेस हो जाते हैं उसी टाइम पर। तो ये बहरहाल एक ज़बरदस्त है चीज़ के लोगों को आज मालूम हुआ कि मसाला जात ज़रूरी है, लेकिन उसकी मकदार और वो कब कब किस किस वक्त खाना है,
ये थैंक यू सो मच रहमा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने बड़ी हमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं, स्पेशली खानों को लेकर। अब क्या ख्याल है मुदस्सिर? बिल्कुल ब्रेक का अब ख्याल है, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद मौजूदात पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जो हमें ज्वाइन कर चुकी है। पहले मैं बता दूं आपको कि किस वजह से आज हमने इनको दावत दी है, तो सिंध हुकूमत के तआवुन से कराची में रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ई बसें समेत पिंक सर्विस से शहरी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध मास ट्रांजिट में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस किसी नेमत से कम नहीं है, और इसका पहला मरला कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। मुदस्सिर बिल्कुल, और लेकिन अब खबर यह है कि पिंक बस सर्विस को चलाने के लिए ख़वातीन ड्राइवर्स को तरबियत दिए जाने का प्रोग्राम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया, यानी कि ख़वातीन के बस के कंडक्टर भी ख़वातीन, वहाँ बैठने वाले भी ख़वातीन और चलाने वाले भी ख़वातीन होंगी। तो ख़वातीन बसों को अब जल्द ही चलाते हुए सड़कों पर कराची की दिखाई देंगी। इस वक्त हमारे साथ वहाँ मौजूद है हुमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे ये बताएगा कि ये सिंफ नाजुक माशाल्लाह आपसे अब तो बड़े बड़े काम कर रही हैं जी, मतलब मुझे लग रहा है हवाई जहाज़ों के बाद ये बसें रह गई थी नहीं चलाई थी। तो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया था अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो इंप्लीमेंट कर रहा है सिंध के कराची के अंदर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डिपार्टमेंट है। तो हमारा जब गवर्नमेंट ने हम पिंक बसेस इनिशिएट की, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम, जब पिंक बसेस में सारे पैसेंजर्स भी हैं और हमारे पास ख़वातीन ही होस्टेज हैं, तो फिर ख़वातीन को ड्राइवर भी बनाया जाए। तो बस फिर उसके लिए हमने थोड़ी सी अपनी प्लानिंग की, वर्किंग की। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर कमाल दायो साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि गो हैड विद ऑल द थिंग्स, क्योंकि आपको पता है हर्डल्स, इशूज़, चैलेंजेस आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इनकी ट्रेनिंग कैसे करें, और एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो कि बिल्कुल प्रॉपर हो वो कहाँ से कराई जाए। तो उसके लिए हमने फिर कोलैबोरेट किया रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अंदर आता है। वहाँ पे प्रॉपर हमने समझे कि प्रोफेशनल्स के साथ इनको हमने जो है ना वो अलाइन किया कि आप इनको सिखाएं, मतलब चलते फिरते ड्राइवर। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, हम जब सीखते हैं, आपको पता है जब हम नॉर्मल गाड़ी वाला LTV लाइसेंस देते हैं तो वो 15 डेज वाली गाड़ी होती है, और वो उसके पास खुद भी क्लच ब्रेक होता है, तो वो आप खुद ही सब कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई आपने चला ली। तो हमारा ऐसा नहीं था। उस 45 डेज के अंदर इनिशियली पहले हमने इनको थ्योरी बताई कि आपके रोड साइंस क्या होते हैं, किस तरह से आपको फॉलो करने होते हैं। थ्योरी के बाद उनके पास एक सिमुलेटर होता है जो उसके अंदर ही आप प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद देन इवेंचुअली हमें फिर कार के ऊपर ये लोग आए। कार के बाद फिर हमने इसको 1 मंथ फर्दर एक्सटेंड किया मेहरान डिपो के ऊपर। तो मेहरान डिपो के अंदर हमने जो एक्चुअल बसेस हैं, इसमें ये नहीं था कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा था, बसेस के ऊपर प्रॉपर हमने इनको फिर जो इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर भी हमने वीकली इनके ना प्लान्स रखे, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस हैं, EV हैं, हाइब्रिड हैं, ग्रीन बस है, रेड बस है। तो हर बस, क्योंकि जब अगर आप ड्राइव पे आएंगे तो हर बस की स्पेसिफिकेशंस की वीकली हमने इनके सेशंस रखे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे, हम भी ये बस चलाना चाहते हैं, मर्द हजरात नहीं, खवातीन भी कुछ चाहती हैं कि भी सुना है हमें, बताओ कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कहाँ सिखाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए बता दीजिएगा कि कोई सीखना चाहता है। जब भी आप ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं तो लाइसेंस उसके बाद की स्टेज होती है। अभी जब इनकी ड्राइविंग का फेज कंप्लीट हो गया तो अब आएगा लाइसेंसिंग का फेज। लाइसेंसिंग का फेज ये है कि पहले तो आपको सबसे पहले एक लाइट व्हीकल जो LTV लाइसेंस होता है, जो हम नॉर्मल कार्स चलाते हैं, वो बनाना होता है। उसके बाद आपको 3 ईयर्स तक वो लाइसेंस रिटेन करना होता है ताकि आप एलिजिबल हो जाएं। इन द मीन वाइल आप रोड पे आ रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद आपका वो कन्वर्ट होता है HTV के ऊपर, जो कि पब्लिक व्हीकल होती है और हैवी व्हीकल का। तो यहाँ जो ड्राइवर्स हैं वो सारी पहले LTV की थी? नहीं, इसमें से हमारे पास 2 हैं वो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं LTV की, और अच्छा। वो लास्ट 10 ईयर्स से गाड़ियाँ चला भी रही हैं, और वो इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जो कि ट्रेनिंग भी देते अच्छा। हैं जी। तो वो तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि उनको हम बाय नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो हैं वो बसेस के ऊपर। बताऊँ किस बात पे, ये जो हमारे सोसाइटी में खवातीन को लेकर प्रसेप्शन है ना, ओए कोई खातून बैठी हुई है, बचो
बच्चों अब वो खातून जब बस चलाएगी तो फिर क्या होगा? नहीं वैसे आपस की बात, मैं समझता हूँ खवातीन ड्राइवर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको खुद भी डर लग रहा होता है, गाड़ी भी बचा रही होती है, कि अगर गाड़ी भी लग रहा होता है तो गाड़ी ना बाजू का गाड़ी बचा रही होती है ना कि किसी को ना लग जाए अपना, अदरवाइज ये होता है कि साथ ही फोन बिछेगा कि वो गाड़ी लग गई तो वो फोन भी ना करना पड़े। नहीं आप मुझे लगता है ज्यादा केयरफुल, जो भी कभी आप रोड पे देखें जो आप समझें कि जो स्लो ड्राइवर्स होते हैं या डिस्ट्रैक्शन आपको फील होती है तो मैंने तो जब नोटिस किया है तो वो मेल ही नजर आए क्योंकि वो फोन पे बात कर रहे हैं, मैसेजेस चलाते हुए कर रहे हैं, तो हर तरह के ही लोग हैं। बट ये कि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, अगर आप कोई भी जैसे कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही रोड पे ले आएँ, ऐसे ही किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उसकी ऊपर पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा इनके टेस्ट लाइसेंसेस की भी टेस्ट होते हैं और जो हम ट्रेनिंग हो रही है उनके असेसमेंट्स भी होते हैं ताकि हम उनको असेस कर सकें कि वेयर दे आर स्टैंडिंग, क्या उनका अभी तक जो है वो लर्निंग स्टेज कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा मैं आपसे हूँ ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि चूँकि मैं शायद मुदस्सर को तो आइडिया नहीं होगा, बीइंग अ लेडी जो मैंने खवातीन से बातें सुनी हैं या चीज़ें हम देखती रही हूँ, मतलब यूजली हैरेसमेंट भी बहुत होती है स्पेशली खवातीन की, और अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रही हो तो उनको ये जो इर्द गिर्द बाइक्स और गाड़ियों पर जाने वाले बहुत तंग करते हैं, उनको बिला वजह ओवरटेक करेंगे, उनको दबाएंगे, उनको इशारे करेंगे, उनको तंग करेंगे, इसके लिए भी कुछ सोचा आप लोगों ने? देखिए अगर आप पर्सनल अपनी प्राइवेट कार चला रहे हैं तो उसका मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ वो ये करती हूँ कि आप स्ट्रेट देखें, कहीं देखें ही ना, ठीक है। हाँ पब्लिक बसेस में हमारे पास क्योंकि हमारा एक जो प्रोजेक्ट है बेसिकली कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर जेंडर एक्शन प्लान बनाया है, उसके अंदर हम सारे जो मिटिगेशन हमने मेजर्स उसके अंदर इंक्लूड किए हैं कि हैरेसमेंट के इश्यूज़ आपके जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इस तरह के और डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़ आते हैं तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे। हमारी अभी भी जो बसेज़ हैं एग्जिस्टिंग पीपल्स बस सर्विस उस सब के अंदर कैमराज हैं और हमारे पास एक प्रॉपर ITS सिस्टम ऑफिस के अंदर इंस्टॉल है कि हम देखते हैं कि बसेस के अंदर जो भी इन एंड आउट हो रहा है तो CCTV कैमराज के क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा टोल फ्री नंबर भी है जिस पर हम कंप्लेंट्स भी रिसीव करते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जो भी हो तो आप यू कैन कॉल अस। तो जब कुछ दो तीन दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमारे पास कॉल्स आईं तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो ड्राइवर या कंडक्टर इस तरह कर रहे हैं, तो हमारे पास तो सारी स्क्रीन्स थी और CCTV फुटेज के थ्रू हम देख भी रहे थे, तो उस पर हमने बोला कि अच्छा आप कौन सी बस में हैं, कौन से रूट में हैं, तो फिर किसी ने बोला हम इसमें, तो हमने कहा आप तो अच्छा फिर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसको तो हम देख रहे हैं, उसका तो कंडक्टर भी यहाँ है, उसका तो ड्राइवर भी ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह की कोई भी मेजर्स लेके आते हैं तो उसका जो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के भी आपको मेजर्स लेके आने होते हैं, आपके पास पैनिक बटन होना चाहिए, आपके पास इमरजेंसी बटन होना चाहिए कि फॉर इंस्टेंस हैरेसमेंट तो बहुत छोटा सा इशू है, आपने देखा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेप भी बहुत से आपने देखा है कि इस तरह के केसेज आए हैं न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेन के अंदर जी, आपके जो बस स्टेशन हमारे हैं हमारा प्लान है कि उनको हम बनाएं तो उनको भी प्रॉपरली लिट करें, उसके अंदर प्रॉपर सारे कैमराज हों, और ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि बसेस तो हमें नजर आ रही हैं, बस स्टेशन नजर नहीं आ रहे। नहीं ये तो देखिए पीपल्स बस सर्विस इज नॉट डेडिकेटेड ना, ये जो है ये तो BRT है या फिर ऑरेंज लाइन कॉरिडोर है, बस स्टॉप्स की बात कर रहा हूँ कि वो भी नजर नहीं हमें आ रहा है कुछ अभी, ये तो इस तरह बड़ा होता है कि गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं हम इसमें देखिए ये होता है जो पब्लिक बस इसमें एज कम्पेयर टू मैंने लाहौर में बाकायदा वो पूरा हमने मॉनिटर किया को वो बने हुए हैं या शायद वहाँ रिवायत उससे पहले नहीं नहीं देखिए BRT के बस स्टेशंस आर डिफरेंट BRT का तो मैंने वो देखा है, मुझे मेट्रो जो उनकी ट्रेन बनी है उसका भी वो तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे हमारे पास ग्रीन लाइन भी स्पेसिफिक है वहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो उनकी स्पीडो बसेस चल रही हैं मुख्तलिफ सड़कों पर वो भी अपने स्टॉप पर आकर रुकी। अब यहाँ से मुझे निकलते मैं अपने तजुर्बे की बात करूँ, यहाँ से निकले आगे एक सवारी थी उन्होंने वहीं रोक ली, अच्छा तो वहाँ से भी बिठा ली, अब सवारियों का भी वो माहौल है कराची में जिस किस्म की ट्रांसपोर्ट थी वो ड्राइवर अभी, तो मैं कहने का मतलब ये है कि खवातीन ड्राइवर्स की ये भी तरबियत हो कि स्टॉप से ही उठाया जाए, स्टॉप से ही बिठाया जाए। नहीं नहीं इंशाल्लाह हम जैसे हमारे मेल ड्राइवर्स में रेड बस जिसमें आप भी एक दो बार आई हैं तो बिल्कुल उसमें तो ही होता है कि कहीं से भी वो पिक करते हैं, लेकिन ये है कि रुकते नहीं है, फौरन से पिक करके आगे चले जाते हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर भी वर्किंग करे, क्योंकि अभी तो समझे कि हमने ये इनिशिएट किया था तो बड़ा सक्सेसफुल अच्छा, हमें इसके अंदर रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिला, तो ग्रेजुअली हम स्टेशन भी इसके स्पेशली ई बसेस का तो कमाल। अच्छा वैसे ये मेंटेनेंस के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि वो मेंटेन भी उस तरह से हो रही है, वरना
आपको पता है हमारे लोगों की आदत है वो पान और पीक उसकी ऐसे ही बस में भी फेंक देते हैं। नहीं नहीं ऐसा देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू ऐसा क्योंकि ये सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं, अगर आप 50 रुपीस में 100 रुपीस में सर्टेन किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो एज सच तो रेवेन्यू, बट ये कि क्योंकि गवर्नमेंट को एक सर्विस प्रोवाइड करनी थी, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक था ऑब्जेक्टिव कि भाई एक अच्छी सर्विस लेकर आएँ, तो वो एक इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव अगर आप समझे कि रेवेन्यू से ज़्यादा आगे था कि एक अच्छी कोई क्वालिटी सर्विस दें, क्योंकि आप देखें अभी तो चलें आपके पास अच्छा सीज़न है, जब आप गर्मी में जाते हैं आपने देखा होगा धूप में, तो एयर कंडीशन बसेज आर ब्लेसिंग कि आप उनके अंदर इजीली बैठ सकें, आप जा रहे हैं कहीं भी आपको जाना हो आपकी तरह थोड़ी प्रॉपर तरीके से आप बैठ के जा तो सकते हैं ना, मैं खुद भी देख रही होती हूँ जब मैं साफ सुथरे बैठे साफ सुथरे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताया मैंने आपसे शुरू में सवाल किया था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने भी बस ड्राइव की है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत ईजी लगी, क्योंकि देखें अब तो इतनी मॉडर्न बसेज हैं, उनके स्टीयरिंग्स आप देखें एवरीथिंग लाइक सारी जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो एज सच आपको वो पहले वाला नहीं कि आप गियर्स लगा रहे हैं सब चीज़ें कर रहे हैं, मुश्किल आते हैं बस भी रुक रही है, रुक भी नहीं रही, आप बड़े प्रॉपरली कंट्रोल के साथ। हाँ थोड़ा सा आपको रोड सेंस चाहिए, आप जब टर्न कर रहे हैं आपको वो स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, और थोड़ा व्यू आप समझें कि मिरर्स को देखने वाला जो होता है साइड व्यू बैक व्यू उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे और देखेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखें जब आप कुछ चीज़ करने का सोच लेते हैं तो कोई भी चीज़ फिर डिफिकल्ट नहीं रहती। अच्छा सिंध में ये बड़ा ज़बरदस्त, एक तो ई बस का पहला यहाँ से आगाज़ हुआ है, फिर पिंक बस भी यहाँ पे आगाज हुआ है, ये प्रोग्राम बहुत जी। एक और ये जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो कि स्पेसिफिक आप समझेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग फीमेल बस ड्राइवर्स को दी गई है। अभी तक ये किसी भी डिपार्टमेंट ने या किसी भी समझें जहाँ जहाँ हमारे प्रोवेंसेज हैं कहीं पर भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड कि आप प्रॉपर, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप तो बस ने आप लोग कह रहे हैं कि भाई फीमेल बस ड्राइवर्स आएंगे तो इनकी ट्रेनिंग इनके लाइसेंसेस, ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही रोड पर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर झगड़ा हो गया बस में सीट ना मिलने पर तो कंडक्टर भी फीमेल ड्राइवर भी फीमेल और खवातीन ही खवातीन, चलें आसान हो जाएगा। नहीं नहीं क्योंकि आप पिंक बस की बात ना करें, हम इन खवातीन को सिर्फ पिंक बस तक थोड़ी लिमिटेड रखेंगे, हम बाकी बसेस भी देंगे। ये तो बहुत ज्यादा, फिर जब झगड़ा होगा तो फिर आप देखें कि थोड़ा सा लोग रिस्पेक्ट भी कर लेंगे, फीमेल चले भैया फीमेल चला रही है। पता नहीं क्यों बदनाम है कि जहाँ पे चार खड़ी हो ना किसी बात से बहस हो जाए तो बस फिर गुथम गुथा हो जाती है। नहीं नहीं उससे ज्यादा मर्द जो है वो आप देखें ना खातूनों की आप जेंडर वाइज बात कर रही है, स्टीरियोटाइपिंग में हम नहीं जाने देंगे। अब वो उनके जो है ना आप समझेंगे फीमेल का जो कंपार्टमेंट है उसमें आते हुए भी डरेंगे ना, उन्हें पता है फीमेल ड्राइवर है तो अब हम अगर आके बैठ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अच्छा मैं जो ये बात कर रहा था कि ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम, ई बस भी पहली बार और पिंक बस भी पहली बार, लेकिन जो अगला मरहला असल है वो कराची बहुत बड़ा शहर है, फिर आगे जो बाकी लाइंस बन रही हैं रेड लाइन ब्लू लाइन सारी उनके साथ कनेक्टिविटी हो रही है आगे जाके, मैंने जो मैंने देखा अब इनकी तादाद का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तादाद बहुत कम है तो ये बढ़ेगी तो हम समझेंगे कि सही है। इंशाल्लाह अभी भी हमारे पास पहले 260 बसेस थी हमारे पास ये पीपल्स बस की, और अभी भी आई थिंक न्यू फ्लीट आई है 30 और 50 डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस की, इंशाल्लाह होपफुली इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्योंकि कम्यूटिंग और मोबिलिटी अगर आप उसको कंसिडर करें और कंसिडरिंग द जेंडर इंक्लूसिव मोबिलिटी की अगर आप बात करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फीमेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप इसको कंसिडर करें, और ग्रेजुअली इस पर वर्किंग भी हो रही है, और जब आप देखेंगे ना कि डिफरेंट लाइन्स जो आ रही हैं तो इन सब की फ्लीट्स ऑफ बसेज भी लाइक किसी की 280 हैं किसी की 281 है इस तरह से हैं, तो आई थिंक बाय नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स हमारे पास अच्छा नंबर ऑफ बसेज जो हैं। जी हमारा, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हमारी W11 चलती है ना ये किसी तरीके से बंद हो जाए। नहीं ये तो इसका जी हाल बसेस होती हैं ये मुझे डर लगता है इसमें कि तो बैठते हुए आप समझे उतरते हुए तो गिर ही जाते हैं। गिरने के अलावा बॉम एक चलता फिरता कि कोई मेंटेनेंस नहीं उनके सिलेंडर्स की या फिर गाड़ियों की, और वो इतनी टीचर किस्म की और बस चल रही है। नहीं देखिए जब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सारी लाइंस इंटरकनेक्टेड होंगी तो फिर इन बसेस के मेरा नहीं ख्याल वो ड्राइवर्स को यहाँ एडजस्ट कर लेना ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। और जब ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम सारी फीमेल बसेस की ड्राइवर्स की बात करें तो क्या हमने कभी उन मेल जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंसेस चेक किए कि उनके पास लाइसेंसेस हैं उनके पास होते ही नहीं होंगे, पता नहीं उनके पास क्या होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि भाई फीमेल्स हैं तो उसके ऊपर लोग बोलते हैं ना कि लाइसेंस तो अभी तक आया नहीं है, ये मैंने कहीं पर कॉमेंट पढ़ा था। तो अभी लाइसेंस भी आ जाएगा तो उसके बगैर तो बस भी नहीं आएगी उनके पास। सही बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी सिंध में ये चल रही है और इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप कुछ क्रिकेट की बात होती है जी श्रीलंका में बात करते हैं, लेकिन श्रीलंका में 8वां
लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप नामी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया सरीश। इसमें 10 टीमों ने शिरकत की है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया की दो दो टीमें, एक कॉमनवेल्थ की टीम थी और एक इंग्लैंड बैरिस्ट्री की टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा थी। फाइनल में पाक भारत टाकरा देखने को मिला जिसमें पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त देकर ना लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो इसमें तो दिल ठंडा हो जाता है ना जब भारत होता है मद्दे मुकाबिल, तो पाकिस्तान लॉयर्स क्रिकेट टीम ने फतह मुल्क को कौम के नाम किया है। भारतीय लॉयर्स क्रिकेट टीम 115 पर आउट हुई और पाकिस्तानी लॉयर्स क्रिकेट टीम ने 3 विकेटों पर हदफ पूरा करके भारत को 7 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया है। कोई छोटी मोटी नहीं, 7 विकेटों से। अच्छा जी, राय मुजफ्फर हुसैन खरल हैं और मोहम्मद फाजिल हैं जिन्होंने शानदार इनिंग खेली है। दोनों ने बगैर आउट हुए 50 और 51 बिलतरतीब रन बनाए। राय मुजफ्फर हुसैन खरल को मैन आउट ऑफ द टूर्नामेंट के एजाज से नवाजा गया। बिल्कुल, और इस वक्त राय मुजफ्फर हुसैन खरल हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दलाइल तो अदालतों में आपके चलते हैं, लेकिन ये चौके छक्के मैदान में ये किस तरह का तजुर्बा रहा है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूँ। क्रिकेट के हवाले से मैं ये बताता चलूँ, जब किसी टूर्नामेंट में भारत के साथ हमारा टाकरा हो तो फिर तुम्हारे इमोशंस और जो कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है ना वो दुगना हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फाइनल हम जीते, अपने पाकिस्तान का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया, इस पे अल्लाह का सबसे पहले बेहद शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी ये कि स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स से लव करते हैं और जब ऐसा कोई टूर्नामेंट आ जाए तो हम समझते हैं कि वकला भी ये किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो करके भी दिखा दिया। माशाल्लाह से खरल साहब प्रैक्टिस कितनी करते हैं? आपने एक सेंचुरी मारी है, 350 मारी हैं, फिर उसके बाद आप नॉट आउट भी रहे, तो मुझे बताएगा कि ये माशाल्लाह से इतनी ये जो मंझे हुए आप खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, मतलब चैम्बर में कितना टाइम देते सैरिश कह रही है या ग्राउंड में टाइम देते हैं? एक्चुअली मैं डिग्री लेने से पहले भी स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं लोकल लेवल पे सारी क्रिकेट खेला हूँ, ग्रेड 2, अंडर 19 जी। मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन था, तो जब मैं कम्युनिटी अपने लॉ प्रैक्टिस में आया तो ऑलरेडी कुछ दोस्त मुझे जानते भी थे, तो उन्होंने फिर इस वजह से मुझे स्पोर्ट्स में आने का भी कहा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज भी है, इसके साथ साथ मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये प्रैक्टिस और डिग्री का नतीजा है कि मैं आज इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ। सही, तो इसका मतलब है कि आपकी अच्छी खासी ग्रिप है क्रिकेट पे, आप स्पोर्ट्स इतना पसंद करते हैं। जरा कुछ अपने व्यूज तो बताएं ना, शाहीन शाह अफरीदी की क्यादत में आपको पता है अब आखिरी मौका है ये T20 सीरीज जीतने का, ये मैच जीतने का, क्या राय है आपकी, किस तरह देख रहे हैं कॉम्बिनेशन को, टीम को आप? टीम कॉम्बिनेशन फिलहाल तो कुछ नहीं समझ आ रही, दुखी हो रहा है कि दुआएं बहुत करते हैं, शौक से देखते भी हैं, अब पता नहीं कि भी इनका रिजल्ट क्या आता है। आगे इंडिया था, वो फ्लैट भी किट सी तब भी नहीं खेला गया, अब न्यूजीलैंड गए हैं तब भी नहीं खेला जा रहा। बाबर आजम वो ऑल टाइम ग्रेट है, वो तो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्रिटिसाइज इतना किया गया था लेकिन उसने कमबैक किया, हमें खुशी भी बहुत है, लेकिन जो रिजल्ट निकल रहे हैं उस पर हम तो सेटिस्फाई नहीं, समझते हैं भी अच्छा खेले चलें कल का मैच, उम्मीद करते हैं राय साहब को बेहतर हो। लेकिन आपके टूर्नामेंट के हवाले से हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा तजुर्बा के मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स जो है वो आप लोग मिले हैं। बहरहाल खेल तो मैदान में होता है, उसके साथ साथ बाकी जो मिल बैठना होता है, चाहे वो इंडियंस आप हों, बांग्लादेश के लोग हों, कॉमनवेल्थ पूरी की भी एक टीम बनाई गई, तो ये मिलकर जब तमाम लॉयर्स का एक दूसरे से एक्सचेंज करना अपनी राय चीज़ें, ये कैसा तजुर्बा था टूर्नामेंट का? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं बताना भी चाह रहा था। आप यकीन करें ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर जो एनवायरनमेंट वो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल, हम शाम को हमारी गैदरिंग भी होती थी तो इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे को मिलते थे, जो बांग्लादेश के दोस्त इंग्लैंड से आए, श्रीलंकन जो होस्ट कर रहे थे जबरदस्त उनका बिहेवियर रहा, और इंडियंस बड़ा मजा आता था उनके साथ। एक छोटी सी बात, लास्ट डे जब फाइनल था ना जी, तब हम एक ही बस में गए ग्राउंड में, तो इंडियंस जो लॉयर दोस्त थे ना वो मेरे साथ बैठे, तो उन्होंने वो स्पीकर नहीं छोटा होता जी, वो लगाया तो वो अपने गाने लगाए उन्होंने, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, वो चीज लगाओ जो हमें भी समझ आए, अच्छा कम अज कम बदल तो दो, हंसने लग गए। फिर उन्होंने चेंज किया, मैं कुछ वीडियोज डाउनलोड की थी क्रिकेट की, मैं विराट कोहली की और बाबर आजम दोनों की बैटिंग देखता रहा, और जी मुजफ्फर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
क्रिकेट की तरफ था। अच्छा मुझे ये बताएगा कि वैसे ओवरऑल इवेंट में मैनेजमेंट आपने कैसी देखी है, खिलाड़ियों का प्रोटोकॉल, इंतजाम, सारा इंतजाम कैसा रहा? हाँ, उधर तो प्रोटोकॉल अच्छा दिया उन्होंने, जितना वो कर सकते थे। श्रीलंकन आपको पता है मामला उनके, बाकी थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि भी हमें पाकिस्तान से कोई इतनी सपोर्ट नहीं हुई, जिसका अच्छा। दुख भी है, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, मैनेज करते हैं असद साहब, वो अपने पास से करते हैं, कुछ हमने बियर किया, यानी कि एक बंदे पे बर्डन तो नहीं डाला, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे गम है। और मैं शिकवा कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम कुछ डिमांड को बहुत बड़ी नहीं करते, कम से कम हमारे जो एक्सपेंस है ना जी, वो तो बियर कर सकें, ताकि हम नेक्स्ट भी इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकें। बाकी उधर उन्होंने बड़ा अच्छा हमें ना फैसिलिटीज दी है, जितनी वो दे सकते थे। तो ये बड़ा अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं कि अगर इस तरह से स्टूडेंट्स के लेवल पे, माजी में हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा चीज़ें होती रहती थी, तो अगर इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं तो वो उनको जारी और सारी रहना चाहिए कि कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से, कोई इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंका, सब मिल के बैठ रहे हैं, तो कम अज़ कम ये गवर्नमेंट के लिए इतने लंबे चौड़े कोई एक्सपेंस नहीं होते जो उनको वो बेयर न कर सके, लेकिन एक फ़र्द वाहिद के लिए तो हैं। लेकिन एक चीज़ राय साहब, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी आप इस तरह के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर, GB के लॉयर्स को टूर्नामेंट करते रहते हैं, या इंटरनेशनल वाला ये चलता है, ये भी होना चाहिए, यहाँ आपस में मिलने का बड़ा एक अच्छा रुझान बने? हमारे इधर लोकल लेवल टूर्नामेंट होते हैं, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स जो टूर्नामेंट है ना, अच्छा, उनमें टीमें आती हैं डिफरेंट सिटीज से, पिंडी से, डिफरेंट जितने भी तकरीबन लाहौर, गुजरांवाला, वीरा, सियालकोट, फैसलाबाद वगैरह टूर्नामेंट इवेंट होता है, वो जबरदस्त, वो कह लें भी तो गैदरिंग हो जाती है, एक गेम को प्रमोट किया जाता है कि हमारी कम्युनिटी इस चीज में भी अपनी गिरफ्त रखती है, और आपको पता है हर बंदा शौक रखता है इस चीज का, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को ही हम लेते हुए आगे आए और वर्ल्ड कप। जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको करल साहब, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है श्रीलंका में, बहुत शुक्रिया आपके लिए, ऐसे ही खेलते रहे और मुल्क का नाम रोशन करते रहे। वापस आते हैं हुमा की तरफ, और हुमा मैं चाहती हूँ खवातीन को मोटिवेट करें आप, ऐसे वैसे ये वाली एक्टिविटी भी आप भी रखिएगा। नहीं, देखिए कोई भी किस्म की एक्टिविटी हो, मैं तो सिर्फ ये समझती हूँ कि खवातीन हर फील्ड के अंदर आ सकती हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन है, आप ये समझती हैं कि थोड़े से चैलेंज आप ले सकती हैं, और देखिए इशूज़ और हर्डल्स हर जगह आते हैं, बट आप उसको ओवरकम करें और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करें, अपनी वीकनेसेस को छोड़ें, तो इंशाल्लाह हर जगह पे आप सक्सेसफुल होंगे, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो बड़ा फीमेल्स का रेशो, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, बहुत कम था, अब ग्रेजुअली आप ये देखें कि अभी तो ये 18 बस ड्राइवर्स को भी हमने कर दिया, फिर हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी फीमेल्स का रेशो अब इंक्रीज़ हुआ है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी था कि हमें जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ करना था यहाँ पर आके। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप जो हैं वो इसको ये समझे कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हर सेक्टर के अंदर जाएं, एक्सप्लोर करें, आपके अंदर जो भी पैशन है आप उसको देखें और सक्सेस। फिर इंशाल्लाह पाकिस्तानी खवातीन ऐसी बहुत सारी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिलता, तो अगर इस तरह के मौके गवर्नमेंट लेवल पे जी होते रहे, मतलब जिनका कहते हैं ना कि निकाद या इत्तेमाम, जी बिल्कुल, फिर और आप हमेशा ना न्यूज़पेपर्स देखते रहा करें, क्योंकि जब हमारा भी एडवर्टाइजमेंट आया था तो हमारा एडवर्टाइजमेंट वाज लाइक कि इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट अंडर SMTA, तो लोग ये समझते भाई ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होगी इसके अंदर, क्योंकि हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं ना कि भाई हम तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, हायरिंग हो रही है, तो हमसे ये क्वेश्चन भी होता था कि भाई आप सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हायरिंग क्यों नहीं कर रहे ना, तो हमने कहा देखिए आपकी स्किल्स सिर्फ डेवलप होंगी तो आप सिर्फ हमारे ही सेक्टर तक फिर लिमिटेड नहीं रहेंगे, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप कहीं भी जाके कि स्किल्स के ऊपर, और जब बात भी होती है कि भाई अब जो है वो एजुकेशन नहीं, स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, तो उसके लिए साइमल्टेनियसली अगर आप देखें इंटरनेशनली भी एक ट्रेंड यही है कि एक तो आपका होता है एजुकेशन, और फिर वो कहते हैं कि ये जो है इन डिमांड स्किल्स हैं, तो आप इसके ऊपर भी वर्किंग करें। तो हुमा आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मुझे मौका मिले मैं तो जहाज उड़ाना भी सीखूं, टाइम नहीं मिलता, बस चलाना सीखिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको भी थोड़ा सा एक डेमो देंगे बस का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खवातीन को बड़ा जबरदस्त मैसेज है जो कि हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको मिल गया है कि कोई भी काम है आप कर सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट आपके साथ, अगर ड्राइविंग सीखनी है तो सीखिए, और मुझे और मुदस्सिर को अब लेनी है इजाजत, बिल्कुल, और उनको ड्राइविंग सीखने के लिए जाना है, और मुझे आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।